करना है आप लोग को सबको। आज बेसिकली करंट अफेयर्स का लेक्चर है और सिमिलरली अगला लेक्चर मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का, जो अपने कैपेसिटर में किया था। ठीक है, जिन जिन लोगों का कैपेसिटर इलेक्ट्रो नहीं हुआ है, वापस बोल रहा हूँ मैं, वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बाद अपना मैग्नेटिज्म चालू होगा। ठीक है, और मैग्नेटिज्म, EMI, AC, ये तीन टॉपिक मुझे पढ़ाने पड़ेंगे, मतलब मुझे दो दो लेक्चर्स लेके पढ़ाने पड़ेंगे, मैं वापस आपको पढ़ाऊंगा वो चीज। ठीक है, तो RC सर्किट का आज नहीं होगा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आज सर्किट आज हो जाए, वो क्वेश्चन सॉल्विंग में होगा। RC सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होगा ना, वो अगले लेक्चर में मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग में होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एकदम जो पहला वाला पॉइंट है, जो आपको ना थ्योरेटिकल पार्ट होता है, इसको हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट बोलते हैं, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जेई मेन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है कि जो पहले वाला कुछ कुछ कंसेप्ट, मतलब जहां पे हम लोग को पता है कि कोई भी मटेरियल होगा, देखो कोई भी एक मटेरियल है, ये मटेरियल है, इस मटेरियल का लेंथ है एल और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, तो इस मटेरियल का, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R = ρ L/A एंड विद दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो डेरिवेशन है, ये कैसे आया, उसके साथ साथ कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं, वो टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रिविजन है तो फास्ट जाऊंगा, आज से कंसेप्चुअल रिविजन होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हो गया मटेरियल, अब इस मटेरियल का रेजिस्टेंस हो गया, अब एक और टर्म डिफाइन होता है, जैसे हम लोग को पता है कि कोई भी सपोज एक रेजिस्टेंस ऐसा दिखाया जाता है, रेजिस्टेंस को अपन सपोज बैटरी जब जोड़ते हैं, तो आप लोग को पता है ये बैटरी होती है, उसका EMF E बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, या उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपन V बोल देंगे, रेजिस्टेंस R होगा, आपको पता है करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, लेकिन आपको पता है करंट ऐसे ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उल्टा ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही क्या बनता है, करंट बनता है। तो कन्वेंशन करंट एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये पूरा का पूरा क्या होता है, उल्टा होता है, राइट। अब एक चीज मैंने अभी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है, मुझे एक स्टूडेंट कोई भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए नेट के इशू के वजह से वगैरह, और जिन लोगों को वो बेसिकली आज वो लेक्चर में नहीं बैठ पाए बिकॉज ऑफ नेट कनेक्टिविटी, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, क्योंकि आज बेसिकली दो साइमल्टेनियस लेक्चर चल रहे हैं, अभी सर का लेक्चर चल रहा है कि जहां पे ज्यादा बच्चे बैठे हुए, डाउट सॉल्विंग लेक्चर 11 का ऑलरेडी प्लान था। ठीक है, ये मेरा लेक्चर आ गया, तो एक ऐसे आईडी से बनाया गया जहां पे 100 की कैपेसिटी थी। ठीक है, जो मुझे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया गाइस। ठीक है, तो आज के लिए वो जो मतलब जो भी स्टूडेंट मिसिंग होंगे, उनको हेमांगी मैडम या ऐशल मैडम कॉल करके पर्सनली उनको मतलब रिकॉर्डिंग देखिए कि नहीं देखिए, वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, अब एक और टर्म, करंट जो होता है ना, ध्यान में रखना, करंट इज अ स्केलर कलर, करंट जो होता है इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग वेक्टर दिखाते हैं, मतलब वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाते हैं उसका, लेकिन वो डायरेक्शन होता नहीं है, वो बोलने के लिए होता है। तो इसीलिए करंट सपोज बेसिकली स्केलर है, तो कोई चीज, कोई क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जो वेक्टर होनी चाहिए, तो उन्होंने एक क्वांटिटी डिफाइन की, उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, करंट डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, ये होता है करंट डिवाइड बाय एरिया, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टोरिकल फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन मतलब जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एकदम सिंपल फॉर्म है, करंट डेंसिटी वेक्टर मतलब जे वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी को और करंट को और भी अपन बोला जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है तो जे वेक्टर डॉट स्मॉल एरिया, उसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरा करंट, ध्यान में रखना। तो करंट मतलब करंट डेंसिटी, मतलब करंट डेंसिटी नथिंग बट व्हाट, करंट डिवाइड बाय एरिया, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब जब ये चीज हो जाती है गाइस, होता क्या है कि कोई भी मटेरियल में देखो, तीन चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है, और अब ये मटेरियल है, अब इस मटेरियल में ऐसा पकड़ लो, जब मैं इसके ऊपर उसके ऊपर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी लगाता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आएगा, जैसे मैंने इसके ऊपर ऐसा बैटरी कनेक्ट किया, कोई भी मटेरियल लिया मैंने और उसको एक बैटरी कनेक्ट किया, ऐसे कुछ बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया सपोज, तो क्या होगा बताओ मुझे, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा E into E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। ठीक है, तो गाइस ये वाला जो पार्ट था, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, इसलिए मैं फर्स्ट ले रहा हूं, तो पहले 5 या 10 मिनट आपको सिर्फ सुनना है ये बोरिंग वाला पार्ट,
लेकिन ये जेई मेन एंड नीट में पूछा जाता है, तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक रेजिस्टिव फोर्स भी आएगा, और रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसे होगी, और उसकी वैल्यू होगी के इंटू वी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो कब होगा, जब ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, के वी के बराबर। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी हो गई, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई ई बाई के। अब एक को इधर लेके जाओ तो हम लोग इसको बोलते हैं म्यू ई। क्या बोलते हैं, म्यू ई। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो अपने को दिमाग में रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कभी वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो कुछ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, और ध्यान रखना यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू म्यू इनटू ई, ये चीज अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद और एक फॉर्म होता है जो दिमाग में रखना होता है गाइस, किसी को याद है दूसरा वाला फॉर्म कौन सा दिमाग में रखना है, करंट डेंसिटी वाला फॉर्म, ठीक है। अब किसी ने बोला यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब मैंने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वो लिया n, स्मॉल n, और वो हम लोग ने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा मैंने सपोज बोला, ठीक है। n, स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे बताओ कि कोई भी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सपोज टाइम t में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टी। देखो ये सारे डेरिवेशन है, अभी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन मैंने पहले ही करवाया था, लेकिन मैं आपको एक जस्ट छोटा सा वो रख रहा हूँ, वॉल्यूम में लूंगा तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। किसी को वो फॉर्म याद है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, याद है क्या फॉर्म वो, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा एन, ठीक है, एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू वी डी इंटू टी, ठीक है, ये होता है टोटल चार्ज, और इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइड बाय अपन टी करेंगे तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, और आई डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, आई बाय एरिया होता है जे। किसी को चाहिए तो एक्चुअल वीडियो भी देख सकते हो आप लोग, बस मुझे वो फॉर्म लिखना है, मुझे वो फॉर्म लिखना है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये होता है मेरा सेकंड इक्वेशन, जो कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ गाइस, सुनो, जो अभी तक मैंने कुछ कुछ चीजें बोली वो शायद से वीडियो में मैं वापस ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। कोई भी मटेरियल होता है, वापस देख लो यहाँ पे, जो लोग अभी अभी आए हुए हैं, अभी दिमाग में ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये लेंथ है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका रेजिस्टेंस होता है, वो होता है रो इंटू एल बाय ए। ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद सेकंड चीज क्या दिमाग में रखनी है, कि एक मैं सेकंड टर्म डिफाइन करूंगा जिसका वैल्यू होगा करंट डेंसिटी, विच इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसको और भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद मैंने तीसरी चीज डिफाइन कर दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन क्या, म्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर दिस ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस म्यू को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको लोग ना निग्लेक्ट करते, करंट डेंसिटी में ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एन ई, एन ई को क्या बोलेंगे हम, एन क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्मॉल एन, एंड वीडी इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको रिविजन में जो भी लिख रहा हूं ये रिविजन के लिए काम का है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन मैंने मतलब थोड़ा सा भी बताने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा, तो यहाँ पे मुझे होता है, इस दो इक्वेशन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मैं जे को क्या लिखूंगा, एन ई वी डी को, मैं सपोज वी डी को मैंने यहाँ पे डाला, देखो वी डी को मैंने यहाँ पे डाला तो क्या बन गया, एन ई म्यू इन टू ई। तो ये जो टर्म बना, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, देखो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी मटेरियल की। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आराम से घूम सकता है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये चीज हो गई,
राइट। और फाइनली कौन सा वाला चीज, हाँ कंडक्ट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी, ये तो पता ही है, और फाइनली ये वाला। तो ये इतना फॉर्म आप पहले लिखो, फटाफट इसको नोट डाउन करो, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले थ्योरेटिकल पार्ट है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, सर्किट थ्योरी वाला पार्ट जो अपन ने कैपेसिटर में थोड़ा बहुत किया था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोग निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लिख दिया आपने, एक मिनट दे रहा हूं, या स्क्रीनशॉट भी निकालो इसका। आज सब मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना है वो बताऊंगा, फिर एचटीएलएमएल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, एचटीएलएमएल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जो मेथड अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े, ठीक है, हो गया, चलो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग ये करेंगे। ठीक है, अब कंडक्टिविटी ये प्रॉब्लम होने के बाद अब आता है किरचॉफ। अब किरचॉफ ने भाई दो लॉ निकाले अपने, किरचॉफ के दो लॉ कौन से थे, एक था किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ तो एकदम बेवकूफ जैसा था, उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे ये एक करंट आया 2 एम्पियर, ये करंट आया 5 एम्पियर, तो इधर कितना करंट बना, 7 एम्पियर, सिंपल। तो ये एकदम सिंपल चीज था। फिर उसके बाद कोई बोला कि सर ये सपोज 5 एम्पियर आया, इधर इधर गया 2 एम्पियर, तो मुझे बताओ इधर कितना गया, इधर कितना बचा, 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर गया तो इधर कितना बचा, 3 एम्पियर। तो बेसिकली किरचॉफ का करंट लॉ बिल्कुल इजी था, जो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली इसका फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, किरचॉफ का करंट लॉ क्या था, बेसिकली सपोज कोई करंट आ रहा है I1, उसमें से करंट गया I1, ये गया I2, ये गया I3, तो बेसिकली अपने को पता है करंट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा मेरा किरचॉफ करंट लॉ। उसके बाद कोई करंट आ ही नहीं रहा है, मतलब एक इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I3 जा रहा है, देयर इज नो इनकमिंग करंट, कोई इनकमिंग करंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने सपोज 0 कर दी, तो बेसिकली इधर क्या मिल गया मुझे, इधर क्या मिल गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्या, किरचॉफ करंट लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ होने के बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या था, नाउ व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एकदम सिंपल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में भाई बैटरी थी, मतलब इस तरीके से एक बैटरी थी, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के कुछ रूल्स अपन ने बनाए थे, आपको याद होगा, जैसे अपन ने पोटेंशियल में बनाए थे, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, ए और बी। तो अब सिंपल सी बात है, ये प्लस है माइनस है, और ये V1 किया, तो मुझे बताओ बैटरी का ये पोटेंशियल प्लस है, तो हम लोग ने देखा था VA माइनस VB, दैट इज VA इज एट द हायर पोटेंशियल, VB इज एट द लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, VA, V1। सपोज यहाँ पे मैंने V2 ले लिया, एंड इफ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V2। मतलब एक मैं ऐसा बाद में बोलूंगा, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू B, देखो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, प्लस, एंड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, मैं ए टू बी जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, माइनस। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है बैटरी के लिए। सिमिलरली रेजिस्टेंस के लिए दिमाग में रखना है, रेजिस्टेंस एकदम सिंपल, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये करंट मेरा I1 है, एकदम सिंपल। यहाँ पे ये मेरा, मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, सिंपल। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिमाग में है ही आपके। तो मैं यहाँ पे VA माइनस VB की वैल्यू क्या लिखूंगा, I1 R1। ठीक है, और सिमिलरली मैंने सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और रेजिस्टेंस में यहाँ पे करंट सपोज I2 ऐसे आ रहा है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे VB इज हायर एंड VA इज लोअर, बट आई एम राइटिंग VA माइनस VB, तो आई एम गोइंग टू राइट माइनस I2 इनटू R2। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे क्या किया अपन ने, आई एम ट्रेवलिंग लाइक वॉट, आई एम ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आई एम ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे क्या साइन डाला, प्लस। बट आई एम ट्रेवलिंग लाइक दिस एंड द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू राइट वॉट, आई एम गोइंग टू यूज वॉट, विच साइन, माइनस साइन। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे KCL हो गया, KVL हो गया। अब KCL KVL के बाद मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा आपको एक्चुअल KVL लिखता हूँ, ये KVL अभी तक है नहीं, ये KVL के कुछ रूल्स है। KVL था क्या, KVL में यहाँ पे लिखता हूँ,
ये सपोज एक रेजिस्टेंस डाला मैंने, ये बैटरी डाली मैंने, ये बैटरी डाली और मैंने रेजिस्टेंस डाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आर वन वी वन वी टू आर टू, और मैंने ये ए बोला ए, ये बोला बी, ठीक है। और मैंने सारे के सारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स भी नोट डाउन किए। यहाँ पे ये मैंने पॉइंट डाला सी, ये पॉइंट डाला मैंने डी, ये पॉइंट डाला मैंने ई। तो व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ? किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि व्हेन आई राइट वी ए माइनस वी बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट इज वी ए माइनस वी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, दैट इज वी सी माइनस वी डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई, दैट इज वी डी माइनस वी ई, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, दैट इज वी ई माइनस वी बी। गाइस ये जो मैंने ये जो लिखा है ना, ये जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, ठीक है, जो अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या यूज करूंगा, वर्ड देखो यूज करूंगा, आई वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, बट व्हाइल आई ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू डी, आई हैव ट्रेवल फ्रॉम डी टू ई, एंड आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ई टू बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ करंट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, ऐसे मैंने दे दिया कहीं से तो आ गया, ठीक है, कोई सर्किट नहीं है ये, जस्ट मैं ऐसे दे रहा हूँ कुछ भी। तो करंट आई वन आ रहा है यहाँ पे भी, इस बैटरी में करंट आई वन घुस रहा है, बैटरी में आई टू करंट घुस रहा है, मैंने बोला था बैटरी के अंदर करंट घुस सकता है, उसके हम लोग बोलते चार्जिंग ऑफ बैटरी, कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ से करंट गया आई वन प्लस आई टू, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ये तो मैंने लिख दिया। अब जब मैं ट्रेवल करता हूँ ए टू सी पे, तो आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, भाई इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे वी ए माइनस वी सी को क्या लिखूंगा, आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस आई वन आर वन, यही तो मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू डी, तो बैटरी में प्लस टू माइनस जा रहा हूं मैं, तो बैटरी में प्लस टू माइनस जा रहा हूं, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा मैं, प्लस वी वन, प्लस वी वन, ठीक है। अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, देखो आगे वी डी माइनस वी, जब यहां से यहां पे मैं जा रहा हूं माइनस टू प्लस, तो माइनस टू प्लस जा रहा हूं बैटरी में, तो बैटरी में लिखूंगा माइनस वी टू, ध्यान में रखना बैटरी में प्लस माइनस मतलब करंट कितना भी जा रहा है निकल रहा है, करंट से कोई लेना देना ही नहीं है, जब हम लोग बैटरी के अक्रॉस जाते हैं, व्हेन वी ट्रेवल अक्रॉस बैटरी वी डोंट नीड करंट, वी जस्ट नीड बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान में रखना। और वीई माइनस वीई, वी माइनस वीबी में आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ई टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, माइनस आई टू आर टू, ध्यान में रखना। अब मैंने क्या किया, इस बी को और ए को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, बी एंड ए का पोटेंशियल सेम कर लिया, क्योंकि एक वायर जो होती है ना, नकली वायर मैंने ऐसे डाल दी, नकली वायर मतलब जिसका रेजिस्टेंस है नहीं, तो मैंने वी ई माइनस वी बी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, मतलब मैं ए से निकला पूरा घुमा बी पे गया वापस उधर ही आया, मतलब ए से निकल के वापस उधर ही आया, तो एक लूप बन गई और ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप, कुछ लोग उसको मेश एनालिसिस बोलते हैं, मेश मेथड बोलते हैं, लूप एनालिसिस बोलते हैं, अलग 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 जगह पे है, बस एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप है, मतलब मेथड है, इससे सॉल्व करोगे आपका कोई भी क्वेश्चन आता रहेगा उसको, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केसीएल केवीएल से क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो मैं दो तीन क्वेश्चन आपको बताता हूँ फटाफट, दो तीन फटाफट क्वेश्चन बताता हूँ, आप एक काम करो, तुमको एक मिनट दे रहा हूं, या तुम लोग इसका पीपीटी से लिख दोगे बाद में, क्या करोगे, पीपीटी से लिखोगे, चलो एक मिनट देता हूं, मैं एक मिनट देता हूं पीपीटी में, एक मिनट देता हूं पीपीटी से भी लिखो, कुछ लोग को मैं एक मिनट देता हूं, ठीक है, तब तक मैं पानी भी लेकर आता हूं।
ठीक है गाइस, क्या हो गया? ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक हाथ दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मैं करूंगा, एक दो मिनट आपको दूंगा, क्योंकि आज तो रिवीजन है, तो ज्यादा मैं क्वेश्चन आपके लिए नहीं करने को दूंगा, मैं ही खुद फटाफट करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, एकदम फटाफट देख लो यहाँ पे। अब मैंने सपोज एक रेजिस्टेंस, अब देखे यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई यहाँ पे, एक मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 5 ओम, और ये बैटरी मैंने लगाई 21 वोल्ट की, ठीक है। अब तुम लोग को सबको पता ही है भाई कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2+5 7 ओम हो गया, एंड वी इज इक्वल टू आयर, अपना बंदा था ओम जिसने अपना मस वाला लॉ बनाया था, वी इज इक्वल टू आयर, बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितनी होती है, वी अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन आर। अब यहाँ पे मुझे होता 21 अपॉन 7 कितना होगा, 3 एम्पेयर, मुझे पता है करंट 3 एम्पेयर है, लेकिन अपन किसको करेंगे, केसीएल केवीएल मेथड से। तो केसीएल एंड केवीएल मेथड से देखो क्या होगा, केसीएल केवीएल मेथड से अपन क्या करेंगे, करंट, सब लोग ध्यान से सुनो, पहले करंट एज्यूम करने का आय, करंट एज्यूम किया आय, इधर से गया आय, इधर से गया आय, वापस आय आ गया, तो ऐसे पहले आय करने का, वन अननोन आय, इक्वेशन भी एक चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, एक जगह से निकलेंगे, मैंने क्या बोला, एक जगह से निकलते हैं, जैसे एक पॉइंट इधर से निकलेंगे, घूम के वापस इधर ही आएंगे, ठीक है। अब घूम के इधर आना है, तो जब मैं इधर से इधर जाता हूँ, आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू आर, विच इज 2 आई, ठीक है। फिर देन अगेन यहाँ पे पहुंचा, इधर से इधर जाऊंगा मैं, आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई इंटू आर, क्या लिखेंगे अपन, +5 आई, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुंच गए, ये सब बेवकूफ वाली चीज है, कुछ है ही नहीं। फिर मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, नाउ आई एम ट्रेवलिंग अक्रॉस बैटरी, तो कोई करंट देखने का ही नहीं बैटरी में, देखने का -2+ में जा रहा हूँ, देखो, सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम -2+, आई एम गोइंग टू राइट -21 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो 7 आई की वैल्यू कितनी आएगी, 21, तो करंट की वैल्यू आएगी 3 एम्पियर, किया था मैंने चीज, ठीक है। उसके बाद ये था मेरा एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 में मेरे को लिखना है, एग्जाम्पल 2 देखना है, तो एग्जाम्पल 2 में क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल 2 में एक ही सिंगल, ये सिंगल लूप था, सिंगल लूप सिंगल इक्वेशन, लेकिन मैंने कुछ ऐसा लिया, एक रेजिस्टेंस डाला, बैटरी डाली, रेजिस्टेंस डाला, फिर यहाँ पे एक ऐसे बैटरी डाली, एक यहाँ पे ऐसे बैटरी डाली, ठीक है, ऐसे कुछ लिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने बैटरी डाली एक्चुअली 2 वोल्ट की, यहाँ पे बैटरी डाली 4 वोल्ट की, यहाँ पे बैटरी डाली 2 वोल्ट की, यहाँ पे डाला मैंने 2 ओम, यहाँ पे डाला 1 ओम। अब बोला कि कितना करंट होगा, देखो अब तुम लोग को पता है क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, ये 4 और 2 वोल्ट की बैटरी सीरीज में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पता है मुझे 6 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट को अपोज कर रही है, तो बची कितनी 4 वोल्ट की बैटरी, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, और 2 ओम एंड +1 ओम 3 ओम सीरीज में है, तो 4/3 आंसर आना चाहिए, डायरेक्टली लिखोगे, लेकिन अपन केसीएल केवीएल यूज करेंगे। क्या होता है केसीएल केवीएल, करंट माना मैंने आए, तो इधर से गया आए, इधर गया आए, इधर गया आए, घूम के वापस आया आए, वापस आया आए, वापस आया आए, ठीक है, एक जगह से निकलो, चलो एक जगह से निकलते, इधर से निकलते, करंट के डायरेक्शन में गए, कि क्या लिखेंगे, 2 आई, फिर वापस बैटरी में +2 -, गए, क्या लिखेंगे, +2, फिर इधर से इधर गए, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, प्लस अगेन प्लस क्या, 1 × I, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहां से यहाँ पे गए, क्या लिखेंगे, बैटरी में -2+ जा रहे, देखो ट्रेवल करके आ रहे वापस उसी टाइम पॉइंट पे, -2+ क्या लिखेंगे, -2, इधर भी बैटरी में -2+ क्या लिखेंगे, -4 इक्वल टू क्या करेंगे, 0, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, 3 आई इक्वल टू 4, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 4/3, तो 4/3 एम्पीयर मेरा आंसर है, कोई दिक्कत है इसमें गाइस, कोई दिक्कत है, ये तो एकदम सिंगल लूप सिंगल इक्वेशन, आंसर खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी अपन लाते हैं 2 लूप्स, ठीक है, अपन डालते हैं 2 लूप्स, देखो जैसे ऐसे मैंने एक लूप बनाई, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक ऐसे लूप बनाई, एक ऐसे बैटरी लगाई यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाला, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बैटरी लगाई, देखो बैटरी कैसे लगाई है मैंने, 2 रेजिस्टेंस डाला हुआ है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी जैसे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैंने लेट्स से बैटरी लगाई है 8 वोल्ट की, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है कुछ 4 वोल्ट की, और यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है कुछ 6 वोल्ट की, और बोला है फाइंड करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहली बात, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने करंट यहाँ पे माना क्या I1, ठीक है,
अब कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं करंट मानने का I1। अब I1 जैसे ही माना, अब तुम लोग को पता है यहाँ पे जब जाएगा इस पॉइंट पे आएगा तो लेट्स से यहाँ पे I2 करंट गया तो मुझे इस बैटरी में कितना करंट जाएगा, I1 माइनस कितना I2, बैटरी में I1 माइनस I2 गया, यहाँ से I2 घूम के आएगा, I2 घूम के आएगा, अब I2 इधर से I1 माइनस I2 आया, I1 माइनस I2 आया, I2 आया, दोनों मिलके कितना हुआ I1 माइनस I2 एंड I2 दोनों मिलके कितना हुआ I1। तो देखो ना सही चीज है ना। तो कभी भी पहले सर्किट में क्या लगाया जाता है, कभी भी जब दो लूप आते हैं तो सर्किट में क्या लगाया जाता है, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, उसके बाद लगा रहे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। I1 I2 कितने अननोन है इसमें, अननोन कितने है, दो अननोन है, I1 है I2 है, दो अननोन, दो इक्वेशन, बस काम खत्म। अब दो इक्वेशन देखो, टू अननोन है, I1 एंड I2 है, दो अननोन है, इक्वेशन आई नीड कितने, कितने इक्वेशन आई विल नीड, टू इक्वेशन, तो आई नीड टू लूप्स। टू लूप्स मतलब कितने लूप्स है यहाँ पे, बेसिकली देखा जाए तो ये पहला लूप, छोटा वाला लूप, दूसरा लूप और बड़ा वाला लूप, तीन लूप। कोई भी दो लूप लो, कोई भी दो लूप। चलो एक काम करते हैं, ग्रीन में मैं एक बड़ा वाला लूप लेता हूँ, ये वाला। अब ये वाला लूप जब मैं लेता हूँ, इक्वेशन क्या आएगा बताओ, इक्वेशन क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे ग्रीन में ही लिखता हूँ मैं, पहले ग्रीन में ही लिखता हूँ, करंट इधर से इधर गया, करंट के डायरेक्शन में गया, क्या लिखेंगे, टू आई वन, फिर करंट के डायरेक्शन में गया क्या लिखेंगे, प्लस फोर आई टू, ठीक है, फिर यहाँ पे बैटरी कुछ नहीं, फिर यहां से यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस फोर, फिर यहां से यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एट, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इक्वेशन नंबर वन। मुझे होता है यहाँ से इक्वेशन तुमको तुमको आएगा क्या, यहाँ पे आई वन आई टू दोनों साथ में, तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब कोई भी लूप लेते, कौन सा लूप लेते, पहला वाला लूप, पहला वाला लूप लेते। अब पहले वाले लूप में क्या कहेंगे, देखो एक छोटा वाला लूप ले लिया तो करंट के डायरेक्शन में गए, पहले क्या लिखेंगे, टू आई वन, फिर इधर पहुंचने के बाद इधर से इधर गए क्या लिखेंगे, प्लस टू माइनस गए तो क्या लिखेंगे अपन, प्लस सिक्स, फिर यहां से यहां पे लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पे माइनस एट, फिर यहां से यहां पे पहुंच गए, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, टू। देखो ना यहां से आई वन आ गया ना तुम्हारा, क्या आ गया, आई वन का कितना आ गया, यहां से आई वन आ गया माइनस टू अपॉन टू, तो आंसर मतलब माइनस टू यहाँ पे गया तो प्लस टू, तो आंसर कितना आएगा, वन एम्पियर। अब करंट आई वन वन एम्पियर यहाँ पे डाल दो, सिक्स माइनस एट माइनस टू, टू यहाँ पे गया, टू बाय फोर कितना है, वन बाय टू, तो आई टू की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय टू। मुझे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, आपको याद आ गया किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं जो फटाफट आप लोग करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का आप लोग आंसर निकालोगे, दो मिनट दे रहा हूं आपको फटाफट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। यहां पे 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, मैंने इन जनरल कोई भी रैंडम वैल्यू दिए, फटाफट मुझे निकालो 2 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम में कितना करंट जाएगा बाय किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मेथड। मतलब करंट I1 यहां पे गया, करंट I2 यहां से गया, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2, तो नाउ फाइंड I1 माइनस I2, ठीक है। दो मिनट दे रहा हूं मैं, देखो तीन मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट करो, चलो तीन मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो चलो, और आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए, आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए गाइस। आपका मैथ भी कितना स्ट्रांग है समझ में आएगा, मतलब इस लेवल पे जाके। लोगों के आंसर आना चालू हो गए, गुड, लेकिन गलतियां मत करो, नहीं तो ढाई गड़बड़ी में सब गलती कर दोगे।
चलो ठीक है लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको कि आंसर क्या होगा, ठीक है, नहीं मतलब इक्वेशन क्या होगा बताऊंगा मैं, पहले तो मुझे बताओ, चलो एक बड़ा सा इक्वेशन लिखते हैं ये वाला लूप का, क्या होगा इस वाले लूप का इक्वेशन, करंट डायरेक्शन में तो 2i1, ठीक है, तो यहां से यहां पे जाएंगे 2i1 होगा, यहां से यहां पे जाएंगे वापस क्या होगा प्लस 2i2 होगा, ठीक है, फिर यहां पे आएंगे, यहां से यहां पे जाएंगे तो क्या होगा प्लस 2 माइनस जाएंगे तो क्या होगा प्लस 4 होगा, और यहां से यहां पे जाएंगे क्या होगा माइनस 10 होगा, और यहां से यहां पे वापस पहुंच जाएंगे इक्वल टू क्या करेंगे जीरो कर देंगे, तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब आपको सपोज ये छोटा वाला इक्वेशन लिखना है तो यहां से यहां पे जाओ, यहां से यहां पे आएंगे छोटे वाले इस वाले लूप में, पहले वाले लूप में तो इक्वेशन आएगा 2i1, फिर मैं यहां से यहां पे गया तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं आई इंटू आर, तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे, क्या लिखेंगे 4 इंटू क्या i1 माइनस i2, ठीक है, और फिर यहां से यहां पे गया आंसर क्या आएगा माइनस 10 इक्वल टू क्या करेंगे जीरो, इक्वेशन नंबर 2 ध्यान में रखना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए गाइस, सो दीज आर साइमल्टेनियस इक्वेशन, बचपन में पढ़ा है ना आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं दो तीन लोगों का आंसर देख लेता हूं कि भाई सही है क्या, चलो ठीक है, लोग दो तीन लोगों का आंसर आ चुका है i1 11/5, ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो i1 11/5 और i2 कितना है 4/5, यही आया क्या आंसर, देखो ये नहीं आया होगा तो आपने आंसर कुछ तो मिस्टेक किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये आया आंसर विच इज गुड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भाई जेई नीट में, जेई मेन मेन नीट में फटाफट आ सकते हैं, आपको करने को आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े से अपर लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा उसके ऊपर, यहाँ पे देखो सब लोग, कोई दिक्कत इसमें अब तक इस पार्ट में, ठीक है, चलो हाँ सीईटी में भी आएगा, सीईटी में भी आएगा, अब यहाँ पे दिख रहा है लेक्चर खत्म हो रहा है तो इसको थोड़ा सा अपन अच्छा कर लेते हैं, रुको जरा, आपको बताऊं मैं अभी 11th में क्या क्या अपन पढ़ा रहे हैं, अभी आप सब लोग जाओ, मतलब 11th का ये एक्चुअली 11th का पीपीटी है जिसमें रोटेशनल मोशन चल रहा है अभी, ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज है ये 11th का है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, जस्ट दिखा रहा हूँ 11th के लेक्चर इस तरीके से हो रहे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्जिया पहला वाला आज उनका पहला वाला हो गया था, लेकिन थोड़ा सा ये अलग कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, जैसे अभी कंटिन्यूस मास वगैरह का था, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास का, मतलब कंटिन्यूस मास का, समझ रहे ना, मतलब एक्चुअली रोटेशनल मोशन का इसमें ही मैंने डाला हुआ था, ठीक है, तो मेरे आजकल थोड़े से मैंने एनिमेशन वगैरह भी डाला हुआ है, मतलब आप देखोगे तो 11 के लेक्चर्स में थोड़ा सा मैं एनिमेशन और उसके इधर से करा रहा हूँ। चलो अभी अपन अपने इसमें जाते हैं, अपन इसमें जाते हैं, हाँ अपना कुछ इधर है भाई, अपना पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब तक तो अपना लेक्चर देखा ही नहीं है, मतलब एट प्रेजेंट अपना जो डायरेक्ट लेक्चर है वो तो कभी देखा ही नहीं उन्होंने। चलो अब अपन अभी देखेंगे, ये सेम था KCL एंड KVL मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, अब एक मेथड आता है नोड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, नोड मेथड उसको हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस क्या होता है, नोड मेथड क्या होता है, एकदम सिंपल, मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ आपको, कभी भी आपको ऐसा कुछ पॉइंट मिले, देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिला, ऐसा रेजिस्टेंस मिला, ऐसा रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं, मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ मैं, कोई भी वैल्यू डाल दो, 4 ओहम इसको मैं डाल दिया मैंने यहाँ पे, 8 ओहम और यहाँ पे मैंने डाल दिया 10 ओहम, ठीक है, और ये वोल्टेज मैंने डाल दिया यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे डाल दिया मैंने 20 वोल्ट और यहाँ पे डाल दिया मैंने 30 वोल्ट, देखो कुछ भी रैंडम और बोला है इसमें करंट कितना जाएगा, देखो तो ऐसा कुछ भी चीज दिखाई दिया ना इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान में रखना KCL KVL नोड मेथड, कब KCL KVL लगाना है, कब नोड लगाना है ये पता होना चाहिए आपको, और कब नॉर्मल सीरीज पैरेलल लगाना है, सीरीज पैरेलल इसके बाद आऊंगा मैं, तो तीन मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या लगेगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि जहां पे आपको पता चलेगा, मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कि कहां पे कौन सा मेथड लगाना है। अब इस केस में क्या करते हैं, जंक्शन पे एक्स वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स वोल्टेज मान लिया, अब मैंने तुमको एक चीज सिंपल सी बताई थी, करंट कोई भी डायरेक्शन में जाने दो, करंट यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया और यहाँ पे करंट I3 गया, याद है ना I1 plus I2 plus I3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, ये अपना किरचॉफ क्या था करंट लॉ था, राइट। अब मुझे बताओ
अपना हमेशा अपने बाजू में V इज इक्वल टू आयर रखना होता है. जैसे कैपेसिटर में क्या रखते थे अपन साथ में, Q इज इक्वल टू, कैपेसिटर में हम लोग लिखते थे Q इज इक्वल टू CV साथ में रखते थे, पता है ना, चार्ज, फिर चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 इक्वल टू 0 होता था. वैसे यहाँ पे ये यह होता है. अब करंट की वैल्यू क्या होती है, V बाय R. अब मुझे तो V क्या है, अब मुझे होता है जो करंट I1 ऐसे जा रहा है तो कौन सा वोल्टेज बड़ा होना चाहिए, X या 10? भाई X बड़ा होना चाहिए, तो X माइनस 10. तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे अपन, X माइनस 10, क्योंकि करंट क्या होता है, V डिवाइड बाय R. तो X माइनस 10 डिवाइड बाय 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या करेंगे अपन, X माइनस 20, X माइनस 20 डिवाइड बाय क्या करेंगे 8. I3 की वैल्यू क्या करेंगे, X माइनस 30, X माइनस 30 डिवाइड बाय क्या करेंगे 10. फिर इन सबका LCM लेंगे अपन और तुमको X की वैल्यू निकालेंगे. जैसे ही मेरे X की वैल्यू आ गई, तुम्हारा काम हो गया ना खत्म. भाई X की वैल्यू जैसे आएगी तुम्हारा काम खत्म हो गया, फिर इसका करंट निकाल सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, X कितना है, 320 डिवाइड बाय 9 आया. तो X की वैल्यू यहाँ पे 320 डिवाइड बाय 9 कितना, 320 डिवाइड बाय कितना 19. ठीक है, 19 आया. बस अब ये चीज यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे करंट निकाल दो फटाफट फटाफट. ठीक है, अब मैं आपको ये तो मैंने एकदम सिंपल सा मतलब ये चीज बताया कि नोडल एनालिसिस है. इसकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, क्वेश्चन करता हूं मैं तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है. ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बताओ, सुनो सब लोग. पहले कुछ रूल, एक रेजिस्टेंस है जिसमें यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट दिया, यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट दिया और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है. मुझे होता है यहाँ पे करंट कितना जाएगा, हाउ टू फाइंड करंट. करंट जाएगा 10 वोल्ट टू 2 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 2 दैट इज V डिवाइड बाय R. 10 माइनस 2, देखो करंट क्या होता है, V डिवाइड बाय R होता है. V कितना है, 10 माइनस 2 राइट डिवाइड बाय R, तो आंसर कितना है, 4 एम्पियर ये करंट है राइट. तो पता है आपको, जस्ट लिख के बता रहा हूं. अब मुझे बताओ, सपोज ऐसा कुछ होगा, मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, सपोज एक बैटरी होगी, सपोज इस बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे मैंने 0 माना, 0 वोल्ट माना, और ये बैटरी है कुछ अराउंड 10 वोल्ट की, तो मुझे बताओ ये वोल्ट कितना होगा, ये वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा. सपोज ये बैटरी होगा 5 वोल्ट, तो ये वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, 5 वोल्ट होगा. अब उल्टा करते मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट माना, तो मुझे बताओ ये वोल्टेज कितना बनेगा, फिर इस केस के लिए माइनस 10 वोल्ट बनेगा, बराबर ना, माइनस 10 वोल्ट बनेगा. तो सिंपल सी बात है, अब मैंने सपोज ऐसा कुछ किया, एक बैटरी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बैटरी है और मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट माना और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे होता है इस नोड पे कितना वोल्टेज आएगा, 7 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस कितना, 5 वोल्ट. समझ में आ रहा है, ठीक है. चलो तो अब मुझे बताओ, ये तो चीज हो गया मेरा, क्या ये तो चीज हो गया मेरे कुछ रूल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान में रखना, नोडल मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन दिया था, बहुत ऐसा एक ऐसी बैटरी थी, पता है मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया था जिसमें एक ऐसी बैटरी थी यहाँ पे. अब नोडल मेथड में क्या है ना, नोड ढूंढने का मतलब, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट, यहाँ पे एक वोल्टेज दे दिया 2 वोल्ट, यहाँ पे दिए दिया मैंने 2 ओम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज दे दिया लेट्स से 6 वोल्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 2 ओम. अब बोला है कि करंट इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंसेस, तो क्या करने का, बीच में नोडल मेथड में क्या होता है ना, जहां पे सारे बैटरी कनेक्टेड है ना, वहां पे बीच में कोई ना कोई कहीं पे नहीं 0 वोल्ट मानने का. ये 0 वोल्ट मान लिया, अब ये 0 वोल्ट मान लिया तो ये नोड कितना हो गया, ये 10 वोल्ट का हो गया, तो ये भी 10 वोल्ट का हो गया क्योंकि सेम है, तो ये 10 वोल्ट का हो गया. ये 0 वोल्ट हो गया तो ये कितना वोल्ट का हो गया, 2 वोल्ट का हो गया. ये 0 वोल्ट का हो गया तो ये कितना हो गया, 6 वोल्ट का हो गया. देखो सारे नोड डिफाइन हो गए, अब ये 2 वोल्ट है 10 वोल्ट. अब मुझे बताओ करंट कहां से कहां पे जाएगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम व्हाट, हायर टू लोअर. तो ये जो करंट आएगा, इस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 2 वी डिवाइड बाय आर 8 बाय 2 कितना 4 एम्पियर. तो यहां से डायरेक्टली अपन लिख सकते 4 एम्पियर. माइंड कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 6 एम्पियर है, मुझे 6 वोल्ट है. मुझे बताओ करंट कहां से कहां पे जाएगा, 6 टू 2, तो 6 माइनस 2 कितना 4 वोल्ट, 4 डिवाइड बाय 2 कितना 2, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर. तो किसी ने बोला इस बैटरी से कितना करंट जाएगा, 4 एम्पियर यहां से, 2 एम्पियर यहां से, इस बैटरी से कितना जाएगा, 6 एम्पियर. तो इस बैटरी को कितनी पावर डिलीवर्ड हुई, बताओ कितनी पावर डिलीवर्ड टू दिस बैटरी, V इंटू आई, V कितना है 2 वोल्ट इंटू 6, तो कितना होगा
12 वॉट, समझ में आ रहा है तुमको कैसे क्या कैसे करना है भाई? पावर जूल में मत बोलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन बनने के लिए कुछ भी बन सकता है, ठीक है? तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिकली नोडल एनालिसिस को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब फटाफट फटाफट मैं एक क्वेश्चन तुमको दूंगा, तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? फटाफट सॉल्व करो तुम लोग। ये नोडल एनालिसिस से कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से मुझे करके तुमको दिखाना है। अब यहां पे देखो, ये 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, और यहां पे 10 वोल्ट है। मैं वापस इसको तो 3 ओम देता हूं और इसको 2 ओम देता हूं। मुझे बताओ, फाइंड द करंट थ्रू दिस 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस, निकालो कितना होगा। क्या नोड मेथड से निकाल सकते हो? बहुत फास्ट निकाल सकते हो, बताओ कितना होगा आंसर। एक 2 मिनट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन एक्चुअली 2 मिनट का भी नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। फास्ट करोगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा। भाई करंट ढूंढना है, करंट ढूंढना है, 2 ओम एंड 3 ओम में से करंट ढूंढना है। और जिनको वीडियो, मतलब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा गाइस, फटाफट इसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के एचसी और पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, और उसके बाद अपने मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है? इसके ऊपर के लेवल 1 के, मतलब जेई मेन के, नीट के, तो नीट वालों को नीट के, जेई मेन के, जेई मेन के, तो आपका करंट एनालिसिस सही बनेगा। क्योंकि मैग्नेटिज्म में, मैं मैग्नेटिज्म वापस पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको बोला था, लेकिन एकदम पूरा का पूरा आराम आराम से नहीं पढ़ाऊंगा। 2-3 लेक्चर में मैग्नेटिज्म खत्म, 2-3 लेक्चर में ईएमआई खत्म, ऐसा करके मैं पढ़ाने का कोशिश करने वाला हूं। तो उसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करेंगे अपन, इसमें कोई भी इस नोड पे अपन एक 0 वोल्ट मान लेंगे। सपोज मैंने इसको 0 वोल्ट मान लिया, तो ये वोल्ट कितना हुआ, ये वोल्ट हो गया 2 वोल्ट, ये वोल्ट कितना हुआ, ये वोल्ट हो गया 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट हुआ, ये 0 वोल्ट, तो ये कितना वोल्ट हुआ, ये कितना वोल्ट हुआ, 10 वोल्ट हुआ। तो ये 10 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट हुआ, बराबर। अब ये 10 और ये 4, तो मुझे बताओ हो गया ना तुम्हारा करंट डिफाइन। भाई 10 से 4 में जाएगा करंट, तो करंट की यहां पे करंट की वैल्यू कितनी आई, 10 माइनस 4 डिवाइड बाय क्या, 3। करंट आ गया यहां पे, कितना है ये करंट है ना यहां पे, यहां का करंट, तो 6/3 कितना है, 2 एम्पियर। तो यहां पे आया करंट 2 एम्पियर, ठीक है? अब यहां पे 10 वोल्ट है और यहां पे 2 वोल्ट है, तो इसमें इधर कितना करंट जाएगा, 10 माइनस 2, दैट इज 10 वोल्ट डिवाइड बाय, मतलब सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, व्हिच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहां पे करंट कितना गया, 4 एम्पियर, यहां पे गया 2 एम्पियर, काम खत्म तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने बोला इस 10 वोल्ट बैटरी से कितना जाएगा, अब मुझे बताओ भाई, ये 4 है, ये 2 है, तो इधर कितना आ रहा होगा, 6 एम्पियर आ रहा होगा ना, तो ही तो 4+2=6 होगा, ठीक है? तो एकदम सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन था नहीं, इसीलिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो केसीएल केवीएल मेथड से नोड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट और फास्ट होती है, ठीक है? मैं और आपको एक हाथ क्वेश्चन देता हूँ, चाहिए तो नोड मेथड के ऊपर, जिसमें शायद से आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मतलब मैं एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, फटाफट फटाफट ढूंढ के मुझे बताओ कि आंसर कितना आएगा, ठीक है? आंसर कितना आएगा फटाफट बताओ, ठीक है? सपोज मैंने ऐसे दे दिया, ऐसा पकड़ लो, ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये भी, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। बताओ यहाँ पे ये हर एक 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा नोड मेथड, ठीक है? बताओ फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ बताना कि कितना करंट जाएगा हर एक से, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो, फिर उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा मैं। क्योंकि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोटेंशियोमीटर पढ़ाना है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है? सीरीज पैरेलल इसकी बात कराऊंगा, पोटेंशियोमीटर कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर, सब लोग उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं।
ऋषभ, थोड़ा सा फटाफट बता दूंगा मैं उसको, थोड़ा टाइम मतलब वो थोड़ा तुमको करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन है ना, तो मैं उतना ज्यादा वो नहीं कराऊंगा। देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वोल्ट को मैंने 0 वोल्ट माना, तो इधर कितना हो गया 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट हो गया, तो इधर 4 वोल्ट हो गया। देखो ध्यान में रखना, ये 4 वोल्ट 0 वोल्ट, ये हो गया मेरा 8 वोल्ट, इसको मैंने माना x। सिंपल, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट कितना होता है, 0 होता है। I1 plus I2 plus I3 is equal to क्या होता है, 0। तो अपन क्या लिखेंगे, x minus 4 divide by 2 plus यहाँ पे क्या होगा, x minus 8 divide by क्या 2 plus यहाँ पे x minus 0, x minus 0 divide by कितना 2, और सब में 2 मैंने 2 दिया क्योंकि इजी था, is equal to क्या करेंगे 0, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 3x की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 वोल्ट। तो मुझे तो x की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे 4 वोल्ट आ गई, तो क्या हुआ, इधर का करंट कितना हो गया, इधर का करंट कितना हो गया 0, ये 4A8, तो यहाँ पे करंट इधर से इधर गया 4 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना हुआ 2 एम्पियर। यहाँ पे भी 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 4 डिवाइड बाय 2 कितना, समझ में आ रहा है तुमको यहाँ पे। तो गाइस ध्यान में रखना, इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ऐसे अपना इक्वेशन लिखा जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नोडल एनालिसिस, जो अपना हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब होता है देखो तीसरा मेथड, KCL KVL हो गया, नोडल हो गया, KCL KVL अलग हो गया, नोडल अलग से हो गया। अब हम लोग जाएंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इजी होता है, देखो एकदम सिंपल, तुम लोग को सबको ही पता है कि भाई जब रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं, जब सीरीज में होते हैं, तो सीरीज का रेजिस्टेंस आपको सबको पता ही होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। इसका किसी ने बोला कि इसका इसका ना मतलब कहां से आया, कहां से, ठीक है, तो ऐसे आता है। देखो ये मैं वोल्टेज V मान लेता हूं, और इसमें से करंट गया I, इसमें करंट गया I, करंट गया I, तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान में रखना, सॉरी कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी एक ऐसे सर्किट दिया रहेगा, कोई भी सर्किट जिसको अपन ने एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी से निकला करंट I, तो एकदम सिंपल सा बात बताऊं, ये पूरा का पूरा सर्किट होता है उसको तो पता नहीं है ना, इधर कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, यहाँ पे हजार रेजिस्टेंस होंगे, उनको थोड़ी पता होगा, वो क्या कर, बैटरी को थोड़ी पता होगा कहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, वो अपना करंट I भेजेगा, और V इज इक्वल टू मैंने आई आर लिखा, तो जो R होता है, इस R को R इक्विवेलेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू V बाय I, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं V बाय I मेथड। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी ध्यान में रखना, बैटरी V डिवाइड बाय करंट I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ऑलवेज। तो अब मुझे इसमें बताओ, तुम मुझे सपोज इसका सीरीज में फटाफट करते जाओगे, तो आंसर क्या आएगा, I इंटू आर वन, अपना KCL KVL लगाओ गाइस, KCL KVL लगाओ, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री माइनस वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे V बाय I की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही मेरा क्या था, सीरीज रेजिस्टेंस जो पढ़ा है आपने। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पैरेलल में क्या करते थे गाइस, कोई अलग कलर में लिख देता हूँ, पैरेलल में सपोज ये R1 होगा, ये R2 होगा, यहाँ पे R3 होगा, ठीक है, तो R1 R2 R3 होता है, वापस इसको क्या लगाएंगे अपन, एक बैटरी लगाएंगे, ऐसी वाली बैटरी लगाएंगे, इधर लगा देंगे, ये V होगा, करंट I जाएगा, अब इसमें से करंट कुछ I1 गया, I2 गया, I3 गया, तो बेसिकली I की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, सिंपल। अब मुझे तो हर एक बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज 0 माना, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, V, ठीक है, तो ये V वोल्ट, तो V माइनस 0 डिवाइड बाय, तो करंट, इसमें करंट I1 कितना होगा, V बाय R1, तो इसमें होगा V बाय R1, इसमें कितना करंट होगा, V बाय क्या, R2, और इसमें करंट कितना होगा, V बाय R3 इक्वल टू क्या होगा, करंट I, V को यहाँ पे कॉमन निकालो, तो I बाय V इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो आपको पता है V बाय I इज R इक्विवेलेंट, तो व्हाट इज I बाय V, 1 बाय R इक्विवेलेंट, तो व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, इस तरीके से भी होता है, सब बचपन से पढ़ते आए यार आप लोग, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सपोज दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, वापस यार खत्म हो गया लेक्चर, मैं लेक्चर खत्म होते ही जा रहा है भाई, और डाल के रख दो तो वापस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको, ठीक है, अब सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है तो एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो देखो ध्यान में रखना, इसमें मैंने एग्जांपल 1 दे दिया, जिसमें देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया,
यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ, इसमें 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, और इसमें मैंने लिया 3 ओम और 3 ओम और बोला कि भाई ए एंड बी में आर इक्विवेलेंट पूछा है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 2 2 2 कितना हुआ, यहाँ पे 6 ओम, ये हो गया 3 एंड 3 कितना हुआ यहाँ पे 6 ओम, दो ये सब सीरीज एंड 6 एंड 6 पैरेलल, भाई 6 एंड 6 पैरेलल, तो 1/6 + 1/6 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1/3, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक रूल मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल पैरेलल वाला एक रूल बताता हूँ। सीरीज तो एकदम इजी यार, सीरीज में तो सिर्फ ऐड करना है, एडिशन तो सबको पता है। पैरेलल का एक रूल बताता हूँ। सपोज कोई भी रेजिस्टेंस है ना, सपोज देखे जैसे कि यहाँ पे 2 बार पैरेलल में ये आर और आर है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर बाई टू, लेकिन आर 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 है तो कितने बार हो गया 3 बार, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बाई 3, 4 रेजिस्टेंस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई फोर। तो ये तो एकदम सिंपल है, मतलब ये समझ में आया ना, ये रूल बना दो, मतलब उसको वापस करने की जरूरत नहीं है, आर बाई फोर, तो ये फटाफट करने का। लेकिन वॉट इफ अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल 3 देता हूँ, एकदम सिंपल सी पैरेलल का एग्जाम्पल। तो पैरेलल में सपोज मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कर दिया मैंने 3 और एक रेजिस्टेंस कर दिया मैंने 6, ये 3 ओम है 6 ओम है, और बोला कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा फटाफट। हाँ, इसमें R1 R2 upon R1 + R2 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, इसमें ना LCM तो माइंड में ना 1/6 + 1/3 = 1/R इक्विवेलेंट ऐसा करने का, और दिमाग में 3 × 2 तो ऊपर 2 जाएगा, तो 2 + 1 ऊपर 3 आएगा, तो 6/3 कितना आएगा 2। तो भाई ये जो इसका आगे जो सॉल्व करना है ना, ये आपका माइंड कैलकुलेशन है, ठीक है, ये कितना फास्ट करोगे, नीट वाले लोग के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टिल आपका माइंड कैलकुलेशन है, ठीक है, कितना फास्ट है उसके ऊपर है। हाँ, कैपेसिटी में आदत हो गया, प्रियंत बोल रहे, अच्छी बात है, चलो लेकिन रेजिस्टेंस में भी आदत डालो, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी पूरा उल्टा होता है, बताया ना मैंने, कैपेसिटी पूरा उल्टा, रेजिस्टेंस पूरा उल्टा, तो इतना चीज दिमाग में रखो, ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे तो सीरीज पैरेलल तो अपने को ठीक है, पता है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉट इफ, अभी यहाँ पे देखो, वॉट इफ एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये पहले ये भी अपन ने कैपेसिटर में देखा हुआ था, वॉट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया R1, ये मान लिया मैंने R2, ये मान लिया मैंने R3, ये मान लिया मैंने R4, अब ये हो गया मेरा R1 R2 R3 R4, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया R5। देखो यहाँ पे कोई भी चीज सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं, वॉट इज सीरीज, सेम करंट रेजिस्टेंस जा रहा होगा तो सीरीज होगा, सेम वोल्टेज होगा तो पैरेलल होगा, ये पता है आपको। यहाँ पे तुमको पता है भाई करंट I1 गया तो कुछ ना कुछ करंट I2 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो सेम करंट नहीं जा रहा है, तो R1 R2 यहाँ पे सीरीज में नहीं है ना, यहाँ पे कोई पैरेलल में है। अब इस केस में क्या होता है, इफ R1 / R2 = R3 / R4 ये हो, तो ये दोनों वोल्टेजेस जो होते हैं ना, ये वोल्टेज V1 होगा तो ये वोल्टेज भी V1 होगा, ये V1 होगा, तो इधर से जाने वाला करंट कितना होगा, 0। यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जा रहा है गाइस, करंट ही नहीं जा रहा है, तो जो करंट I1 यहाँ पे जा रहा था वही करंट यहाँ पे ऐसे जाएगा, और जो करंट यहाँ पे जा रहा था वही करंट यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब R1 R2 क्या हो गए, सीरीज में आ गए, R3 R4 भी क्या हो गए, सीरीज में आ गए, बस काम खत्म, और R5 का कुछ भी काम नहीं है। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल कैसे देते थे हम लोग, इसके एग्जाम्पल में अपन क्या देते थे कि सपोज एक रेजिस्टेंस है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है ऐसे, एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने 5 ओम। अब यहाँ पे देखो 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, तो 5 ओम का कुछ काम है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 4 कितना हुआ, 6 ओम हुआ, 6 + 3 कितना हुआ, 9 ओम हो गया। अब 6 ओम 9 ओम क्या हो गए, पैरेलल में आ गए, तो मेरा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/6 + 1/9 तुम्हारा आंसर है, ठीक है, 6 3 9 2 तो 5/18। समझ में आ रहा है, तो मतलब आंसर कितना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, 18/5। मिस्टेक मत करो,
कोई दिक्कत है इसमें? मुझे बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अब ये तो था मतलब सीरीज, अभी सीरीज पहले में और क्या चाहते, देखो सीरीज पहले में व्हीटस्टोन, इनका सबका कॉम्बिनेशन भी आता है और बहुत इजी आता है। देखो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको चाहिए तो आप करो ये क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आप करो। देखो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन गाइस आ सकता है। अब मैं एक बड़ा सा यहाँ पे ना सर्किट डालने वाला हूँ, ठीक है गाइस, एक सर्किट में बहुत बड़ा सा ऐसा डालने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो मतलब ये दिखने में बड़ा सर्किट है, ठीक है, दिखने में बड़ा सर्किट है, थोड़ा टाइम दो मेरे को। ठीक है, मैं ऐसे कुछ चीज जो दे रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? ये हो गया सपोज 4 ओम, ये हो गया 4 ओम, ठीक है, ये हो गया लेट्स से, चलो एक काम करते हैं, ये भी 4 ओम 4 ओम कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम और यहाँ पे हो गया जैसे 5 ओम। मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट, बताओ मुझे आर इक्विवेलेंट, बताओ ए एंड बी में आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है फटाफट बताओ। मैंने मतलब थोड़ा सा इजी बना दिया आपके लिए, करो करो क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, बताओ मुझे ना आर इक्विवेलेंट क्या होगा गाइस, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट, आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेकिन थोड़ा सोचना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग के आंसर्स आना चालू हो गए, ठीक है चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है गाइस क्योंकि मुझे फास्ट जाना है। यहाँ पे सब लोग देखो, पहले तो मुझे बताओ ये चीज क्या था, ये चीज क्या था, व्हीटस्टोन, यहाँ पे व्हीटस्टोन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो 4 एंड 4 4 एंड 4, तो व्हीटस्टोन है तो 2 ओम का कुछ काम नहीं है, तो मुझे तो 4 एंड 4 कितना होगा, यहाँ पे ये चीज कितना हो गया 8 ओम, ये भी चीज कितना हो गया 8 ओम, मुझे था 8 ओम एंड 8 ओम पैरेलल कितना हुआ, पैरेलल कितना हुआ 8 ओम 8 ओम पैरेलल कितना हुआ 4 ओम, तो पूरा का पूरा सर्किट अभी बन गया, इधर बन गया 4 ओम, इधर बन गया 8 ओम, अब नीचे कितना हुआ 3 ओम और इधर कितना हुआ 6 ओम, तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम और यहाँ पे हो गया 5 ओम। अब वापस क्या बना गाइस, यहाँ पे डबल व्हीटस्टोन है ना, डबल व्हीटस्टोन 4/8 1/2 3/6, तो वापस यहाँ पे 5 ओम का कुछ काम है नहीं, काम है नहीं, क्या हो गया यहाँ पे, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 1/12 + 1/9, ये मेरा आंसर है, कोई दिक्कत है? तो ये 36 है ना, 9 4 12 3 36/7, तो मेरा आंसर है 36/7। जिन्होंने वो मतलब वो आपका काम है इसका एलसीएम निकाल के फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? तो ये हो गया मेरा, देखो सीरीज पैरेलल एंड व्हीटस्टोन को मिला के क्वेश्चन। अब एक टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्री क्वेश्चन, ठीक है? सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री वो चीज होती है, देखो सिमेट्री अलग 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 टाइप की होती है, लेकिन सिमेट्री वो चीज होती है कि जहां पे
हम लोग ने सर्किट को देखा तो एक लाइन पे देखा तो कभी कभी क्या होता है, सारे जो पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात बताऊ तो यहाँ पे देखो सिमेट्री अलग अलग पॉइंट पे हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसी चीज दी, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ए और बी कहाँ पे सिमेट्री है यहाँ पे। अब मैंने बोला सब रेजिस्टेंस आर है, सब रेजिस्टेंस आर है, सब रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने लिखा, ये रेजिस्टेंस है 2R, ये रेजिस्टेंस है 3R, ये रेजिस्टेंस है 4R। अब आप देखोगे, देखो मुझे इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है ए एन बी के अंदर का, ए एन बी के अंदर का इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे सिमेट्री कहाँ पे। देखो सिमेट्री दो टाइप की हो सकती है, सिमेट्री मतलब क्या मिरर चीज है, मतलब एक मुझे तो ऊपर वाला नीचे वाला तो है नहीं सिमेट्री, क्योंकि ऊपर में दो चीज है, ध्यान रखना। सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा सोचो आप, ऐसा गाइस ऐसा सोचो कि यहाँ पे मैंने ना वोल्टेज वी लगाया, यहाँ पे वोल्टेज वी लगाया, मतलब यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट लगाया और यहाँ पे मैंने वी वोल्ट लगाया, ठीक है। तो एग्जैक्टली बीच में देखो, बीच वाले पॉइंट में एग्जैक्टली हाफ, क्योंकि सब जगह पे सेम है, इसका मतलब यहाँ के सारे वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आधे, सारे वोल्टेज क्या होगा, बिल्कुल आधे, मतलब क्या है? ये सब जगह पे V by 2 वोल्टेज आने वाला है भाई, सब जगह पे V by 2 आएगा, तो 2R हो या 3R हो या 4R हो, किसी का भी कुछ काम नहीं है, ठीक है, किसी का भी कुछ काम नहीं। तो ये चीज क्या हो गई सेम। अब यहाँ पे आप गाइड चेक करोगे तो ये हो गया मेरा, ये जो रेजिस्टेंस हो गया मेरा, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R, 2R, 2R एंड 2R, तो 4 2R है वो पैरेलल में है भाई, 4 2R पैरेलल में है, सिंपल सी बात है, चारों चार 2R ऐसे पैरेलल में आ जाएंगे, चारों चार 2R पैरेलल में आ जाएंगे, काम खत्म हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे की सिमेट्री मैंने पहले ही बताई है, एस्टर्मा में भी दी हुई है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा ये होगा 2R/4 व्हिच इज इक्वल टू R/2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन, आगे करते हैं, ठीक है गाइस। अब होता है रिड्रॉ करना सर्किट को, रिड्रॉ करना मतलब क्या, पॉइंट ढूंढना, मतलब कभी कभी सर्किट कुछ ऐसे दिया है, पहले एकदम सबसे ना सिंपल और कॉमन क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, सबसे सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन, हर जगह पे मिलता है क्वेश्चन, हर जगह पे। अब ना यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे ना पता ही नहीं चल रहा है, देखो आर 2R एंड 3R पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या है, मतलब ना ये सीरीज में है क्या, पैरेलल में है क्या, क्या है अभी पता नहीं चल रहा, ना सिमेट्री दिख रही, ना व्हीटस्टोन दिख रहा है, ना कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज मैं ऐसे ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, अब पता ही नहीं चल रहा, देखो अब मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये R है गया, R हो गया, R हो गया, ऐसे 2R हो गया, कुछ भी रैंडम बोला कि भाई R इक्विवेलेंट निकालो। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, सर्किट को रिड्रॉ करना है सो दैट वो सीरीज पैरेलल में बने। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने A लिख दिया, यहाँ पे मैंने B लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, शॉर्ट है ना यार, ये शॉर्ट है ना ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा A, तो ये शॉर्ट है ना ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा B। तो देखो ये पॉइंट A एंड B हो गए, तो सारे पॉइंट डिफाइन हो गए, तो रीड्रॉ करो सर्किट को। रीड्रॉ करो मतलब क्या, इधर A लिखो, इधर B लिखो, अब ये A हो गया, ये B हो गया, अब सारे रेजिस्टेंसेस, ये वाला सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, ए एंड बी के अंदर आ गए, मतलब ये भी आर हो गया, 2R हो गया, और ये भी क्या हो गया, 3R हो गया, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस ए एंड बी के अंदर है। देखो ना भाई ए एंड बी, ये भी बी एंड ए, ये भी ए एंड बी, तो सारे ए एंड बी के अंदर है, काम खत्म हो गया, सारे पैरेलल आ गए, पैरेलल से सॉल्व करो, आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पहले मतलब क्या किया मैंने, नोड्स को पॉइंट लो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B, तो अब यहाँ पे B है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये B है, हाँ, लेकिन ये पता है क्या, अंदर वाला पॉइंट नहीं पता, तो इसको C मान लेते हैं, तो ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, मान लो C, तो C अंदर है ना, तो C अंदर लिख दो ना भाई, C अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे C
ए बी एंड सी, अब मुझे वहां पे बताओ ए एंड बी कौन कौन किस किस के अंदर है, कौन कौन किस किस के अंदर है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी के अंदर कौन है, आर है ना, तो आर इसको लिख दो यहाँ पे, ए एंड बी के अंदर है आर, ए एंड बी के अंदर है वो आर, तो लिख दिया मैंने। ए एंड सी के अंदर कौन है, ए एंड सी के अंदर कौन है, अलग अलग कलर यूज कर सकता हूँ, ए एंड सी के अंदर कौन है, टू आर है, तो ए एंड सी के अंदर है टू आर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू आर। सी एंड बी के अंदर क्या है, सी एंड बी के अंदर क्या है, ये आर है, तो सी एंड बी के अंदर है ये आर, तो लिख दिया मैंने आर, ठीक है। और बी एन सी के अंदर क्या है, बी एन सी के अंदर वापस यही आर है, तो बी एन सी के अंदर वापस ये आर है, तो देखो ये हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, बस अब ये दो आर क्या हो गए, पैरेलल में आ गए, तो ये आर बाई टू हो गया, अब आर बाई टू प्लस टू आर एंड आर दोनों पैरेलल में आ गए, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये तो अब सीरीज पैरेलल में बन गया तो तुम निकाल सकते हो, तो मतलब मैंने क्या किया, सर्किट को रिड्रॉ करके क्वेश्चन को सोल्व किया, तो एक होता है सर्किट को रिड्रॉ करना, ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्किट को रिड्रॉ करना। अब यार बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, अब यहां पे देखो, अब हम लोग करते हैं यहां पे, एक सर्किट को रिड्रॉ हो गया, अब सर्किट को रिड्रॉ करने वाले क्यूबिकल वाले क्वेश्चन भी होते हैं, पता आपने क्यूब के क्वेश्चंस मैंने करवाए, और ये क्यूब के क्वेश्चंस मैंने एक्चुअली मैंने वीडियोस में भी दिया हुआ है, गाइस सारे अच्छे रहोगे क्वेश्चंस है, सॉल्व एग्जांपल मतलब, ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स बेसिकली उसमें भी दिया हुआ है, एचसीवी में भी है वो, ठीक है। तो एक क्यूब का क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे आपको करना है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कोई भी करा देते हैं, मतलब भाई सेम टाइप के क्वेश्चन है, मतलब वो क्यूब बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनरी इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कोई भी चीज, मतलब यहाँ पे देखो क्यूब में क्या होता है ना, क्यूब क्यूब के क्वेश्चन, मतलब ये क्यूब है, ऐसा पकड़ लो ये क्यूब है, अब इस क्यूब के क्वेश्चन में कभी कभी आर ए बी यहाँ पे पूछा जाता है, ये ए इधर है ये बी इधर है, ऐसा पूछा जाता है, कभी कभी ये ए इधर है बी इधर है ऐसा पूछा जाता है, और कभी कभी ये इधर है और ए इधर है, ठीक है, और बी इधर है ऐसा पूछा जाता है, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी ऐसे तीन पॉइंट्स में पूछे जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, और ये मैंने बेसिकली इसमें भी दिया हुआ है, आपको कौन सा वाला करना है मुझे बताओ, इधर का बी मतलब ये वाले पोजिशन का बी करना है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा कोई भी, इधर का इधर का इधर का, वन टू थ्री, आपको कौन सा वाला करवाना है, वन वाला टू वाला या थ्री वाला, बहुत वेरियस मिल रहा है मेरे को ऐसा चीज, यार लोग डाले जा रहे भाई, वापस वापस डाल रहे, ठीक है ठीक है, अभी बस बस बहुत बहुत हो गया, चार बहुत हो गए, ठीक है। तो कुछ लोग बोले टू, कुछ लोग बोले थ्री, चलो टू वाला देख लेते हैं, ये तो टू वाला देख लेते हैं, अब टू वाला क्या होता है, ये ए होगा ये बी होगा और मेरा बैटरी यहां पे लगा है, बैटरी यहां पे लगा है, अब यहां पे एकदम सिंपल, यहां पे सब लोग देखो ये सबसे, हाँ राइट, ये सबसे आसान है एक्चुअली, ये सबसे आसान है, जब ए एंड बी बैटरी लगा है यहां पे, तो तुम देखोगे ये बैटरी वोल्टेज वी का, ये सब जीरो का है, और सब जगह पे रेजिस्टेंस है, हर एक साइड रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली आप देखोगे, देखो यहां पे क्यूब, वीडियो में देखो, वीडियो सब लोग वीडियो खोलो, वीडियो सब लोग वीडियो खोलो भाई, सब लोग वीडियो पे जाओ, मुझे बताओ ये ए है और ये बी है, देखो ये ए है बी है, वीडियो बड़ा करो मेरा, ये ए और बी है, तो एग्जैक्टली बीच में क्या हो रही है, एग्जैक्टली बीच में क्या हो रही है, ये बी है ये जीरो है, तो एग्जैक्टली बीच का जो प्लेन है ना उसमें क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, सिमेट्री आ रही है ना भाई, ये बी है जीरो है, तो एग्जैक्टली जो बीच के चारों चार पॉइंट है इधर 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 इधर, वो सारे वी बाई टू में आ रहे हैं, मतलब कौन से पॉइंट यहाँ पे वी बाई टू में आ रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये पॉइंट वी बाई टू एग्जैक्टली सिमेट्री है, वी बाई टू वी बाई टू V by 2, अब V by 2, V by 2, तो कौन सा रेजिस्टेंस काम का नहीं है, निकल देता हूं मैं, ये वाला कुछ काम का नहीं है, ये रेजिस्टेंस काम का नहीं है, देखो निकल गया, एक ज्यादा एक्स्ट्रा निकल गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस निकल गया गाइस, ये दो रेजिस्टेंस निकल गया, देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है,
यश तू अभी ज्वाइन हो गया क्योंकि कुछ लोग ड्रॉप हो गए थे, तो एक काम करना, अभी तक जो भी पढ़ा है ना यश, पूरा का पूरा मैंने बोला था कि आज जिन जिन लोग का वो 100 वाला मेरा आईडी था उसके वजह से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि एक पैरल आईडी चल रहा था, तो जिन लोगों ने आज का ही लेक्चर ऐसे हुआ क्योंकि आज अचानक से थोड़े से मतलब क्योंकि मैंने कंपलसरी किया था तो अचानक से बढ़ गए, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कि बेसिकली मतलब मुझे ये थोड़ा सा इसका पंगा हो गया कि एक मेरा आईडी दूसरा 500 वाला आईडी दूसरी जगह पे यूज हो रहा था, ठीक है। और गोरेगांव वालों का, गोरेगांव वाले कल तुम्हारा क्या प्लान है सुबह, मतलब 12 बजे वगैरह 11 बजे, क्योंकि विले पार्ले में तो आ ही रहा हूं मैं, वेनेसडे को आज विले पार्ले गया था मैं, कुछ कुछ लोगों को मिला, गोरेगांव का कल का प्लान क्या है? अरे हाँ तुम्हारा रोहित सर का क्लास है, राइट रोहित सर, चलो ठीक है मैं देखता हूँ क्योंकि इस वीक में मुझे जाना है कहीं पे, और अभी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म मुझे लगता है गोरेगांव मुझे मैग्नेटिज्म चालू होने दो, उसके बाद मैं आपको विजिट करूंगा, मैग्नेटिज्म चालू होने दो, फिर उसके बाद अभी मैग्नेटिज्म चालू नहीं हुआ है ना, फ्रेंड लिस्ट जाने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्टली मिल गया, अभी ये क्या हो गया, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, तो आर 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 कितना हुआ यहाँ पे, ये टू आर टू आर टू आर एंड टू आर कितना हो गया आर, अब ये आर है, ये आर है, अगेन आर एन आर, ये आर है, ये आर है, आर एन आर टू आर, तो टू आर टू आर कितना हुआ यहाँ पे आर, तो सिंपल सी बात है ना, अभी तो सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसमें एक रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, और अभी आप कर दोगे यार, मतलब अभी तो आप कर दोगे, तो ये हो गया क्यूब का क्वेश्चन, इसमें इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा सा इमेजिन करने में डिफिकल्ट है, और वो मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, वो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब वीडियो देख लेना मेरा यूट्यूब का जेवाईसी वाला वीडियो, जिसमें ये होता है ना आर ए एन बी, ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें ए एन बी होता है ऐसा वाला, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना कहाँ कहाँ पे सिमेट्री है देखना पड़ेगा आपको, सिमेट्री कहाँ कहाँ पे है, ये दो पॉइंट पे सिमेट्री होती है, ये दो पॉइंट पे सिमेट्री होती है, तो कनेक्ट करना पड़ता है उनको, तो आप देख लेना वो चीज। चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ते गए, अब सीरीज पैरेलल सपोज हो गया, ठीक है, सुनो सुनो, सीरीज पैरेलल सपोज हो गया, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक लास्ट का होता है इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज किसी को याद है कि नहीं है, ऐसा पकड़ लेते हैं, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, इनफाइनाइट में भी दो टाइप की सीरीज आती है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, चलता रहेगा इनफाइनाइट, कैसे करोगे आर इक्विवेलेंट, इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो कैसे करोगे, ठीक है, आर इक्विवेलेंट कैसे करोगे, हाँ इसमें के आर, के इंटू आर वाला भी सीरीज होता है, वो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, देखो यहां से देखो सेम है, कोई आदमी यहां से देखेगा, यहां से देखेगा, इधर से देखो टू आर इनफाइनाइट ना यार, इनफाइनाइट, तो ये भी जो चीज होती है, ये भी चीज, ये भी तो आर इक्विवेलेंट हो गई, तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको रिड्रॉ करना पड़ता है कि ये हो गया मेरा टू, ये हो गया मेरा फोर, आगे का भी तो भाई सेम ही है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली क्या लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट, और ये भी क्या हो जाएगा, ये खुद ही आर इक्विवेलेंट हो गया, काम खत्म, अब आर इक्विवेलेंट में क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका मतलब क्या है, आर 1/4 मतलब ये दोनों मिलके कितना होगा, मतलब चलो एक काम करते हैं, आर इक्विवेलेंट को मैं एक्स लिख देता हूँ, तो ये हो गया एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एंड फोर सीरीज में, तो x इंटू फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस फोर, ठीक है, सॉरी पैरल में प्लस टू, ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, खुद आर इक्विवेलेंट मतलब x ही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या भाई, दो जब सीरीज में होते तो एक फॉर्म होता है ना आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू वाला फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म मैंने यूज कर दिया जिसमें आर वन फोर इंटू एक्स, ठीक है, तो फोर इंटू एक्स मतलब एक्स इंटू फोर डिवाइड बाई एक्स प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, काम खत्म तुम्हारा, इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स की वैल्यू निकालो आंसर आ गया, ठीक है, तो हो गया इनफिनिट सीरीज, इनफिनिट सीरीज में और एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, जिसमें ना कुछ एक ये मिलेगा आपको, एक मतलब अभी इसमें नंबर भी आ सकता है, अब ये मतलब क्वेश्चन वापस कॉमन है,
समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बोला है कि भाई यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ऐसा पकड़ लो ये आर इक्विवेलेंट है, विच इज इक्वल टू क्या होगा एक्स, तो मुझे तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाता है इनफाइनाइट सीरीज में। एक चीज ध्यान में रखना गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, नहीं यहाँ पे सबको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिर्फ एक मिनट रुको गाइस, सिर्फ एक मिनट रुको। अचानक से ना भूख लग गई तो थोड़ा सा सोचा कि एप्पल खा लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने एक्स कर ली, ठीक है। एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी यहाँ पे रिलेशन से आर, यहाँ पे रिलेशन से आर, और किसी ने बोला इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, या ऐसा ऐसा पकड़ो सर आर आर और यहाँ पे टू आर, सुनो सुनो सब लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं जो बोल रहा हूं, और किसी ने बोला इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो कितना है भाई इसका आर इक्विवेलेंट, कितना है ये ए है और ये बी है, कितना आ रहा था आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, आर आर टू आर, टू आर एंड टू आर कितना आर, तो आर है आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके सारे रेजिस्टेंस को ना के टाइम्स कर दिया, इसको के आर कर दिया, के आर कर दिया, इसको टू के आर कर दिया। अब मुझे बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, के आर, तो सारे रेजिस्टेंसेस सब वो सेम एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गए, तो आर इक्विवेलेंट भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है भाई, इजी वाली चीज है ना। हाँ, अब देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आगे वाला पॉइंट देखो, आगे वाला ये वाला देखो, इधर से सीरीज आप देखोगे तो जो इधर से सीरीज थी इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली मिल गई, देखो ना यहाँ पे R1 R2 R K R1 R2 K square R1 R2 K cube R1 R2 है, तो यहाँ पे कोई आदमी देखेगा तो बेसिकली क्या मिल गया, सपोज मैंने ना यहाँ से K से मल्टीप्लाई किया, सबको K से मल्टीप्लाई किया, देखो K से मल्टीप्लाई किया तो ये K square बनेगा, एक K cube, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, ठीक है, एक चीज यहाँ पे पता चल जाएगी कि ये जो चीज है यहाँ से आगे वाली जो चीज है इसका आर इक्विवेलेंट एक्स है, तो ये पूरा का पूरा जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स, के एक्स। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका था, किसी ने पूछा इसलिए मैंने ये चीज का आंसर आपको बताया, ये आर वन है, ये आर टू है, ठीक है, ये पूरा आर इक्विवेलेंट एक्स था, तो ये आगे वाला कितना था, के एक्स, ध्यान में रखना। अब इसका वापस अपना सीरीज इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। तो ये था इनफाइनाइट सीरीज का। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट तो हो गए, अलग अलग टाइप के आर इक्विवेलेंट हो गए, सीरीज पैरेलल हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब गाइस, अब और एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब सीधा सीरीज पैरेलल से करने का, एक ही बैटरी होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। तो उसमें ना एक चीज आपको दिमाग में मैंने एक याद रखने के लिए बोली थी, आपको याद होगा, एक रेजिस्टेंस आर वन है, एक रेजिस्टेंस आर टू है, ठीक है, और बोला एक करंट आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताओ इस करंट, इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, ऐसा पूछा है, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। तो अपन क्या लिखते हैं, I1 की वैल्यू कितनी लिखते हैं, I1 की वैल्यू कितनी लिखते हैं, I इंटू कितनी, I इंटू क्या, इसने बोला कैसे निकालना है इसको। तो भाई मुझे पता है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया I1 R1, इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है I2 R2, और बेसिकली करंट I आएगा, दोनों की वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2। ये करें इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, दोनों को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू कोई बोल सकते कितनी थी, I इंटू क्या, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, समझ में आ रहा है। और करंट I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है गाइस। सेम चीज कैपेसिटेंस, सेम चीज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या होता है याद है ना, C1 है, C2 है, याद रखने के लिए बोला था मैंने, चार्ज Q आया यहां से, ये सब जेई मेन एंड नीट के लिए काम का चीज है। चार्ज Q1 यहाँ पे गया, चार्ज Q2 यहाँ पे गया, यहाँ पे डायरेक्ट होता है, Q1 की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू क्या, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, यहाँ पे उल्टा था, रेजिस्टेंस में उल्टा था, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी जरूरी है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे तो डायरेक्ट जाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसा बोला एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट आ रहा है 6 एम्पियर, तो बोला कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या, 4 प्लस 2, तो आंसर कितना आएगा, 4 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, करंट 4 एम्पियर गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 6 माइनस 4, इसका आंसर कितना आएगा, 2 एम्पियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बोला तुमको, आपको समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जो इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसा पकड़ लेते, 3 ओम है, 6 ओम है, और यहाँ पे ये 4 ओम है, और यहाँ पे 6 ओम है, और एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे देता हूँ मैं इसके साथ, यहाँ पे 2 ओम, और ये 10 वोल्ट की बैटरी देता हूं। बोला है इसमें कितना करंट जाएगा, 3 ओम में कितना करंट जाएगा, ठीक है, निकालो 3 ओम में कितना करंट जाएगा, बताओ कितना करंट जाएगा 3 ओम में, 3 ओम में कितना करंट जाएगा, डायरेक्ट मत बताओ, थोड़ा आंसर निकालो और बताओ,
देखो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, देखो यहाँ पे पहली बात इसका मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट, मुझे तो आर इक्विवेलेंट कितना है इसका, इसका पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना है, देखिए 3 and 6 इसका होता है 2, 2 plus 4, 6, 6 by 6 3, 3 plus 2 कितना 5, 5 ओम आर इक्विवेलेंट है, तो मुझे तो आर इक्विवेलेंट 5 ओम है, तो 10 divided by 5 कितना होता है 2 ampere, तो गाइस ध्यान में रखना यहां से निकला 2 ampere करंट, देखो यहां पे आया 2 ampere करंट, अब मुझे बताओ ये 2 ampere है, इधर 6 था और इधर भी कितना था 6 and 6, इधर भी 6 है, देखो इधर भी 6 ओम रेजिस्टेंस है और इधर भी कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, डिवाइड किसमें हुआ 1 ampere, जैसे डिवाइड हुआ 1 ampere, अब आगे देखो जाके क्या हुआ, अब ये 1 ampere आया, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, ये जो करंट आया I1 की वैल्यू में निकाल दूं तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 ampere into 6, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 6 plus 3 9, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2/3 ampere, आपको समझ में आ रहा है, तो 2/3 ampere करंट आया, ध्यान में रखना 2 बार करंट डिवाइड हुआ है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो इसमें कहीं भी KCL KVL नहीं, नोड मेथड नहीं, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन इससे होते हैं सीरीज पैरेलल एंड बैटरी लगा के, तो सीरीज पैरेलल और ये जो मैंने आगे का किया, तो ये भी कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बताया, अब लास्ट का जो चीज बचा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ना इसको छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा जाता है मतलब एकदम लास्ट में होता है ना, तो इधर तक आते आते आदमी थक जाता है और फिर इसको छोड़ देता है, तो ऐसा मत करो, जो मैंने बोला ना फर्स्ट वाला पार्ट एकदम पहले वाला पार्ट, करंट डेंसिटी इक्वल टू NEVD और ये सब कुछ जो मैंने फर्स्ट वाला पार्ट बोला था ना, करंट डेंसिटी इक्वल टू N इंटू E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाय, वैसा ही ठीक है, तो ये ऐसा ही पार्ट ये वाला है, तो अब पोटेंशियोमीटर मतलब मैं पहले बोलता हूँ इंस्ट्रूमेंट कौन से कौन टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला होता है एमीटर, एमीटर यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर एकदम करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है ठीक है, अब मैंने एकदम सिंपल सा आपको बात बताया था, मैं फटाफट बता रहा हूं, तो एमीटर मैंने जैसे लगाया, एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, अब ऐसा पकड़ लो एक रेजिस्टेंस दिया है, तो इस एमीटर को बनाने के लिए सबसे पहला जो डिवाइस होता है, चलो सब लोग सुनो, इस पहले डिवाइस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी कॉइल होती है, देखो यहाँ पे ऐसा कैसा होता है पता है, एक गैल्वेनोमीटर में ऐसा कॉइल होता है, ये मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैं बता सकता हूँ, ऐसा पकड़ लो ऐसा कॉइल, एक करंट ऐसा आया ठीक है, तो करंट ऐसे सपोज जाएगा, अब गैल्वेनोमीटर में कैसा करंट जाएगा और यहाँ पे सब मैग्नेट लगे रहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब जैसे इस कॉइल से करंट जाएगा इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप को क्या करता है, टॉर्क देता है, घुमाता है, पता है ना, वो अपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू, मैं पढ़ाऊंगा वापस लेकिन म्यू क्रॉस बी याद है, तो इससे क्या होता है वो घूमता है, वो घूमने के बाद जैसे ही घूमता है तो सिंपल सी बात है ये एक नीडल को लगा देता है और नीडल वो ऐसा ऐसा डिफ्लेक्ट करता है, हाँ इलेक्ट्रिक मोटर की तरह बिल्कुल, तो ये जो डिवाइस होता है मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, इस कॉइल से ये जो कॉइल होती है ना इधर से मुझे करंट पास करना पड़ता है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है, इससे वो करंट इससे कॉइल घूमती है, तो इस डिवाइस को इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं कैसे मॉडल करूंगा, ये सिंबल जी जी दिख दिया मतलब गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये जो कॉइल है ना जहां से करंट जा रहा है, तो भाई ये कॉइल कॉपर कॉइल हो सकती है, एल्यूमिनियम जो भी कॉइल हो सकती है, तो भाई ये कॉइल का रेजिस्टेंस आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, RG स्मॉल जी कैपिटल जी, या सिर्फ कुछ लोग क्या लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, ऐसे मतलब रेजिस्टेंस उसका ठीक है, मैं RG लिख देता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस का अपना सिंबल अपने को पता है, तो अब यहाँ पे देखो तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर, अब होता क्या ना यार, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है मुझे तो उसका रेजिस्टेंस अपने हाथ में है क्या, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस तो भाई जो भी कॉपर कॉइल यूज करना पड़ेगा तो कॉपर कॉइल ही यूज करना पड़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, उतना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए उतना करंट जाने के लिए वो सब यूज करना ही पड़ेगा, तो सपोज मैंने बोला कि लेट्स से इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, होता क्या है, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन यूज करते हैं सपोज करंट को मेजर करने के लिए अपने सर्किट में, अब मेरा सर्किट देखो कैसा, सब लोग ध्यान से देखो, अब मेरा सर्किट देखो कैसा,
मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सब लोग देखो, मेरा एक सर्किट है जिसका इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 ओम, और मैंने बैटरी लगाई 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई। अब मेरे को ना इसमें, इस करंट में, इस सर्किट में कितना करंट जाने वाला है ये मेजर करना है, और मैंने सीधा एक गैल्वेनोमीटर कॉइल लगा दिया उसके अंदर। तो मैंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर सीधा का सीधा जैसा का जैसा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही लगा दिया, ये सिंबल है, ये इसका मतलब सिर्फ सिंबल है, इसमें कुछ है नहीं, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर। अब मैंने लगा दिया, तो बेसिकली इसके साथ साथ क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया ना, मतलब मैंने सीरीज में लगाया, सीरीज में, क्योंकि करंट को मेजर करने के लिए उधर से करंट जाना चाहिए ना, मतलब ठीक है, कॉइल से। तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा कॉइल का रेजिस्टेंस इसके अंदर आ गया, जो कि 100 ओम था अप्रोक्सीमेटली। मैंने ऐसे एक कॉइल देख जो 100 है। अब हुआ क्या भाई, इसके वजह से करंट की वैल्यू कितनी हुई, करंट की वैल्यू कितनी हुई, ये 10 वोल्ट डिवाइड बाय क्या हुआ, 100 प्लस 1, 10 डिवाइड बाय क्या, 101। भाई करंट देखो कितना कम हुआ, 10 डिवाइड बाय 101, करंट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 10 डिवाइड बाय 1, मतलब करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 10 एम्पियर, अब कितनी आई, 10 बाय 101, इतना बड़ा एरर आ गया। तो मतलब गैल्वेनोमीटर को अपन यूज कर ही नहीं सकते, तो यू कांट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज एन एमिटर, अब डायरेक्टली इसको डायरेक्टली वैसा का वैसा नहीं लगा सकते। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन क्या है, शंट रेजिस्टेंस मैंने कम कर, सॉरी क्या बोलो, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया, और मैंने सपोज इसका रेजिस्टेंस मान लिया 0.01 ओम, काम हो जाएगा मेरा, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दिया, 1.0 0.01 हो गया, मेरा एरर बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस को कम कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं कर सकता। तो रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे बिल्कुल एक मस्त तरीका है जो ढूंढा है, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम होते हैं गाइस, दो प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, बड़ा करंट जाएगा ना, ये जो कॉइल होती है ना, कॉइल मतलब ये कॉइल से ना 10 एम्पियर, इतना बड़ा करंट चला गया, तो एक ये जो कॉइल है जल जाएगी भाई, 10 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है। आदमी पता है, मैंने आपको बोला था क्लास में भी, आदमी कितने करंट के वजह से मरता है, या उसको झटका लगता है, कितना करंट होता है मुझे बताओ। अरे 5 एम्पियर वगैरह नहीं भाई, मर जाएगा, 5 वोल्ट वगैरह, वोल्ट में नहीं होता, करंट जाना चाहिए, आदमी के अंदर से करंट जाएगा तो आदमी मरता है, इन मिली एम्पियर, आपको पता है मिली एम्पियर करंट जाता है ना, नॉट 1 मिली एम्पियर, अराउंड 30 to 40 मिली एम्पियर, अच्छा खासा झटका लगता है, 100 मिली एम्पियर उड़ गया, तो भाई मिली एम्पियर का करंट आपको मार देता है। तो आप सोचो 10-10 एम्पियर का करंट जाएगा तो क्या होगा, आपके घर पे जो फ्यूज होते हैं, आप कभी फ्यूज देखोगे या एमसीबी देखोगे अभी, तो 2 एम्पियर 4 एम्पियर के होते हैं वो, मतलब अपने घर वाला जो करंट मैक्सिमम 2 एम्पियर तक जा सकता है, सारे फैन सारे लाइट ऑन कर दो, उसके बाद भी 2 एम्पियर ज्यादा करंट नहीं जाएगा। तो गाइस ध्यान में रखना कि ये सब कुछ चीजें है, राइट। तो इतना बड़ा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर कॉइल तो खत्म हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर के कॉइल से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो मैं क्या जुगाड़ कराऊंगा, उस जुगाड़ को हम लोग बोलते हैं एमिटर, ठीक है। तो एमिटर में क्या किया जाता है, मैं आपको बोलता हूँ एमिटर में क्या किया जाता है। देखो यहाँ पे एमिटर में क्या करते हैं, ये होता है गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये मैं सिंबल ऐसे ही डाल के रख रहा हूं। अब मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करता हूं, और उसको मैं बोलता हूँ शंट रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। अब जैसे ही मैंने शंट रेजिस्टेंस के अंदर डाल दिया, मुझे बताओ, और इस चीज को मैंने बोला, इस चीज को मैंने बोला एमिटर, तो कोई बोल सकता है ये एमिटर बन गया, तो एमिटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, मतलब मैं जब एमिटर लिखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरजी एंड आरएस, एमिटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल रेजिस्टेंस का, ये आर एमिटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब आरजी इंटू आरएस डिवाइड बाय आरजी प्लस आरएस, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप एक एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखो, छोटा सा कैलकुलेशन करके देखो, आप 100 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस डाल के देखो, और देखो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आता है, तो 1 बाय इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा इंटू 100 करो तो क्या आएगा, 101 डिवाइड बाय 100, उसको उल्टा करो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 100 डिवाइड बाय 101, which is less than one, हाँ, मतलब
कभी भी सीरीज में, कभी भी एक चीज दिमाग में रखो, कभी भी कोई चीज पैरल में डालते हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट उनके जो लीस्ट रेजिस्टेंस होता है ना 101 का, उससे भी कम आता है. तो ऑलवेज आर इक्विवेलेंट इज द लीस्ट रेजिस्टेंस बिटवीन देम, उससे भी कम होगा. समझ में आया? अब जो शंट रेजिस्टेंस में डालने वाला हूं वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में. तो मैं शंट रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, मैंने शंट रेजिस्टेंस को सपोज यहां पे, ये सपोज 100, ऐसा पकड़ लो ये 100 ओम का है और मैंने इसकी वैल्यू डाली 0.1 ओम, तो मुझे होता इन दोनों का सीरीज पैरेलल में क्या आएगा, 0.1 ओम से कम. तो भाई सर्किट में जब मैं एमीटर डालता हूं तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो बस अच्छी बात है. मेरे को वही चाहिए ना भाई, अपने को यही तो चाहिए था. यहाँ पे देखो ना एमीटर में भाई ये रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए था, बस मैंने पैरेलल में डाल के करवा दिया, तो गैलोनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल दिया, हो गया काम मेरा. ठीक है, अब इससे और एक चीज अच्छी हुई, बताओ क्या हुई यहाँ पे. और एक चीज अच्छी हुई, जो करंट आ रहा था इस करंट को मैं लिखता हूं कैपिटल आई. ठीक है, इस करंट को लिखता हूं मैं कैपिटल आई. अब हुआ क्या, सपोज इधर से कुछ करंट गया आई एच और इधर से कुछ करंट गया आई जी, मुझे बताओ गैलोनोमीटर कॉइल से कम करंट जाना चाहिए था कि नहीं? बोला था मैंने गैलोनोमीटर करंट कॉइल से क्या होना चाहिए, कम करंट जाना चाहिए. कम करंट जाएगा तो बचेगी अपनी गैलोनोमीटर कॉइल, नहीं तो वो जल जाएगी. तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है. अब यहाँ पे देखो, आप लोग को पता है ना यार, आप लोग को एक चीज पता है ना कि करंट फ्लोज फ्रॉम द लोअर रेजिस्टेंस पाथ. जितना लोअर रेजिस्टेंस पाथ होगा वहां से करंट जाएगा ज्यादा. ये भी चीज मैंने एकदम पहले भी आपको बताई थी कि कोई भी एक रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में मैंने शॉर्ट कर दिया, तो मुझे बताओ जो करंट आएगा पूरा का पूरा करंट कहां से जाएगा, इधर से ही जाएगा. पता है कि नहीं पता? ठीक है, ऐसा जाता है राइट. प्रूव भी कर सकते हो कि भाई ये दोनों वोल्टेज वी है, ये भी वी है, क्योंकि शॉर्ट है तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा, जीरो. तो ऑलवेज करंट फ्लोस फ्रॉम लोअर रेजिस्टेंस पाथ. यहाँ पे लोअर रेजिस्टेंस कौन सा है गाइस? शंट रेजिस्टेंस. तो सारा का सारा करंट ऊपर से जाने वाला है. आप ट्राई करके भी देख सकते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं. आप लोग क्या करो, अपने को डायरेक्टली रिजल्ट भी पता है, वैसे डायरेक्टली रिजल्ट पता है. आई एस इक्वल टू क्या होता है गाइस, कैपिटल आई इंटू क्या, आर जी अपॉन आर जी प्लस आर एस. याद है कि नहीं है? अभी तो करवाया था यार. ठीक है, और करंट आई जी की वैल्यू कितनी होती है, आई जी की वैल्यू कितनी होती है, करंट आई इंटू क्या, आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस. मुझे बताओ ये आया कहां से था? कभी कभी ना ये काम में आता है, कभी कभी इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन था वो काम में आता है. कभी कभी क्या काम में आता है, आई की वैल्यू होती है कितनी, आई एस प्लस आई जी राइट. और आई एस इंटू आर एस, आई एस इंटू आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई जी इंटू आर जी. समझ में आ रहा है? इन दोनों से ही तो आया था वो. हाँ, अब ये जो शुभम ने पूछा, सारा करंट ऊपर से जा रहा है, तो ये देखो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं उसको, नॉर्मलाइजेशन. मुझे एक बात बता शुभम, मुझे एक बात बता, ये सारे वैल्यूज फिक्स है कि नहीं है, ये सारे वैल्यूज फिक्स है कि नहीं, आर एस आर एस आर जी, गैलोमीटर का कॉइल का तुमको पता होगा, शंट रेजिस्टेंस पता होगा, सब कुछ वैल्यू फिक्स है. तो तुमको एक फिक्स वैल्यू मिल गई, तो मुझे बताओ जो भी करंट आएगा उसको सपोज मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब तो मुझे करंट आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल आ रहा है, एक्चुअल जो एमीटर में घुस रहा है. तो बस तुम्हारा काम हो गया ना, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करना. मतलब मुझे पता है कि इसका वैल्यू कुछ पता है मुझे, तो इसको इनटू मल्टीप्लाई करके मैं इसमें दिखा दूंगा अपने नीडल्स में. समझ में आया? जो नीडल जो रीडिंग देता है, मुझे पता है आई जी की वैल्यू बहुत कम होने वाली है, मुझे पता है आई जी की वैल्यू 1 mA है, लेकिन मुझे पता है सपोज ये जो फैक्टर है वो 10 है, तो मैं आंसर एक्चुअल में क्या दिखाऊंगा, 10 mA. समझ में आ रहा है? अब गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे और एक टर्म काम में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. नाउ व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट? जब IG की वैल्यू मैक्सिमम है, जब IG की वैल्यू मैक्सिमम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ठीक है, यह फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गया जब IG की वैल्यू क्या जाएगी, मैक्सिमम. ठीक है, अब उस फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट जाएगा, जब ये फुल स्केल, मुझे बताओ आईजी की मैक्सिमम वैल्यू जब जाएगी यहां से, तो जो ये करंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एन एमीटर. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, सब लोग सुनो, ये समझ में आया? जिसको ये समझ में नहीं आया होगा लास्ट का पार्ट वापस एक बार देख लेना. ठीक है,
मैं वापस एक बार बोलता हूं, एमिटर किससे बना? एमिटर किससे बना? एक एक गैल्वेनोमीटर लिया जिसका रेजिस्टेंस था आरजी, ठीक है, उसके ऊपर अपन ने क्या डाल दिया? आरएस। तो ये जो पूरी असेंबली जो बनी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं एमिटर, ठीक है। अब इस एमिटर में जब यहां से करंट जाएगा आई, जब यहां पे रेंज होगी, रेंज ऑफ एन एमिटर क्या होता है, जब मतलब क्या है कि उसके बाद एमिटर जल जाएगा। अब एमिटर कब जलेगा? जब गैल्वेनोमीटर कॉइल जलेगी। गैल्वेनोमीटर कॉइल कब जलेगी? जब गैल्वेनोमीटर कॉइल से क्या जाएगा, मैक्सिमम करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? मैक्सिमम करंट से ऊपर करंट गया तो खत्म। तो जो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर कॉइल से जाता है उसको हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारी टर्मिनोलॉजी मैं थोड़ा सा इसको ना स्लो पढ़ा रहा हूं, मतलब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा निग्लेक्ट किया जाता है इसीलिए। और फिर बाकी तो आपको पता ही है भाई, बाकी तो आपको पता ही है। अब कभी कभी क्या दिया रहता है, देखो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि एक एमिटर है, ये एमिटर है, एमिटर की रेंज दी है 2 एम्पियर। कितनी? एमिटर की रेंज दी है 2 एम्पियर। इसमें शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, ठीक है। तो बोला है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होगा, निकाल सकते हो क्या? क्या करेंगे? व्हाट इज हाउ टू फाइंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट आई इनटू क्या? आरएस अपॉन आरएस प्लस आरजी। बस तुम्हारा काम हो गया, यहाँ पे 2 एम्पीयर डालो इनटू आरएस कितना है 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 50। कोई दिक्कत? कितना आएगा आंसर? 1/6, 2/6, 1/3 एम्पीयर। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 1/3 एम्पीयर, मतलब 1/3 एम्पीयर करंट गया तो ये डूब जाएगा। उल्टा दिया है, आईजी दिया है, तो आर आईएस आई निकाल, रेंज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो बस ऐसा दिया जाएगा रेंज ऑफ एन एमिटर, एमिटर की रेंज दी जाएगी 0 से 2 एम्पीयर। तो समझ जाने का क्या है? तो ये हो गया मेरा एमिटर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? आगे बढ़ते हैं वापस भाई, लेक्चर खत्म होता है अपना, हमारा लेक्चर बहुत टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ ज्यादा लेक्चर बचा नहीं अपना, सिर्फ वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है गाइस, थोड़ा संभाल लेना। यहां पे देखो, अब हो गया वोल्ट मीटर। नाउ व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है भाई? वोल्ट मीटर क्या करता है? मेजर करता है वोल्टेज। अब वोल्ट देखो, अब ऐसा पकड़ लो यहां पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए आर वन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन, चलो यहाँ पे 100 ओम है, 100 ओम है और यहाँ पे 200 वोल्ट है, और बोल दिया कि मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब उसका भी रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो मुझे बताओ क्या हुआ यहाँ पे? डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को यूज करूंगा तो क्या होगा? इसको गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे 100 क्या बन जाएगा? 50, और सर्किट बदल गया ना, तो एक्चुअल जो करंट जा रहा था ना 200, 1 एम्पीयर जो करंट जा रहा था वही बदल गया। तो सर्किट में क्या आ गया? करंट इसमें क्या आ गया? एरर आ गया, इसमें एरर आ गया। तो बेसिकली ध्यान में रखना, इस केस में तो करंट कम हो गया, करंट भी और कम हो गया। मतलब मुझे तो एक्चुअल में वोल्टेज कितना आना चाहिए था इस 100 के अक्रॉस? एक्चुअल में वोल्टेज कितना है? वी कितना है भाई? जब ये नहीं होता तो कितना वोल्टेज आना चाहिए था मुझे बताओ? ये 100 है तो कितना वोल्टेज आना चाहिए था? 100 वोल्ट भाई, वोल्टेज कितना आना चाहिए था? 100 वोल्ट आना चाहिए था। मतलब एक्चुअल करंट कितना आना चाहिए था? 1 एम्पियर करंट आना चाहिए था यहां से 200 डिवाइड बाय 200। तो 1 एम्पियर करंट गया तो आई इन टू आर, तो बेसिकली 1 एम्पियर करंट इज ना ओरिजिनल करंट। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर डाल दिया, ये 100 और 100, इसके वजह से ये कितना हुआ? 50 ओम। 50 एंड 100, 150, तो कुछ करंट जो है मेरा करंट चेंज हो गया 200 डिवाइड बाय क्या? 150, ये मेरा करंट हो गया। अब ये करंट जो 200 डिवाइड बाय 150 हुआ, ये इधर भी डिवाइड हो गया, तो करंट कितना हुआ? 100 बाय 150, 200 बाय 150 करंट था। 100 बाय 150 मतलब कितना करंट भाई? निकालो जरा इसको,
5 4 and 5 3 तो 4/3 एम्पेयर हो गया करंट। अब 4/3 एम्पेयर में से जो करंट यहां से गया, देखो यहां से गया, वो और आधा आधा होके गया, ठीक है, तो 4/ क्या हो गया, 6 एम्पेयर करंट हो गया। अब 4/6 इंटू आर 100 करेंगे तो 4/6 इंटू 100 ये मेरा बेसिकली क्या हो गया, वोल्टेज हो गया ना यहाँ पे, नया वोल्टेज जो 100 वोल्ट आना चाहिए था ये कुछ अलग ही 400/6 वोल्टेज आ गया, कुछ ना कुछ कवंगा हो गया। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या होना चाहिए गाइस, इन शॉर्ट क्या होना चाहिए, जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें करंट जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। अब एक सिंपल सी बात मुझे बात बताओ, यहां पे 100 है, यहां पे 100 है, लॉजिकली मुझे बताओ, लॉजिकली ये 200 वोल्ट है, ये 100 ओम है, ये 100 ओम है। अब मैंने यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाया जिसको मैं वोल्ट मीटर बोलूंगा, तो ये वोल्ट मीटर के अंदर करंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए भाई। सबसे आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जो करंट गया वो सिंपली यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और अपना ही मेजर कर रहा है। तो बेसिकली कैसा हो, बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली कैसे हुआ, बेसिकली क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा। तो पूरा का पूरा करंट कहां से जाने वाला है, इधर से जाने वाला है। बट मुझे बताओ इसका, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मतलब क्या, रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट कर दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर। बट कभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है क्या गाइस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपको पता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ओपन वायर। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओपन वायर, ओपन कर दिया मैंने कुछ वायरिंग डाला तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर, शॉर्ट कर दिया जीरो, ओपन कर दिया इंसुलेटर भी नहीं। शुभम इंसुलेटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है वो, लेकिन मतलब इंसुलेटर का सॉरी बहुत ज्यादा होता है वो, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट इज समथिंग बट व्हाट, ओपन वायर को ओपन कर दिया, कोई सर्किट ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं जा रहा, करंट जीरो हो गया उसमें, ठीक है। तो गाइस जब आर टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो आइडियल वोल्ट मीटर होता है। तो अब मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाऊंगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब कुछ मेगा ओम में, मेगा ओम्स, गीगा ओम्स में रेजिस्टेंस रखेंगे अपन। तो क्या करेंगे अपन, गैल्वेनोमीटर को लेंगे और उसके साथ में ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था ही, उसके साथ में मैं और एक रेजिस्टेंस ऐड करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। मैं सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करूंगा यहाँ पे और इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो मेरा बेसिकली क्या हो गया, जो सेटअप हो गया, इस सेटअप को हम लोग कौन सा सेटअप बोलेंगे, ये जो सेटअप हो गया इस सेटअप को हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर जी प्लस आर सीरीज रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू में बड़ी रख दूंगा भाई, इसकी वैल्यू में कुछ अराउंड 10 मेगा ओम रख दिया, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। तो पूरा का पूरा तो सर्किट में एरर आएगा लेकिन बहुत ही छोटा एरर आएगा, समझ में आ रहा है। तो वोल्ट मीटर को बेसिकली एमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाना है, सीरीज में रेजिस्टेंस डाल के। गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल के, शंट डाल के, सीरीज डाल के, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। किसी ने बोला सर ये वोल्ट मीटर है, अब इधर भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो होगा ही होगा, ऐसा दिया है, सुनो यहाँ पे ये आरजी की वैल्यू दी है 100 ओम, आरएस की वैल्यू दी है, आरएस की वैल्यू दी है 900 ओम सीरीज जो मैंने डाला है, और इस गैल्वेनोमीटर से करंट गया 10 मिली एम्पियर, और इसको हम लोग बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसकी रेंज कितनी होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है तो बोला है कि वोल्ट मीटर कितना मेजर कर पाएगा मैक्सिमम। तो क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर की V की वैल्यू कितनी होगी, IG इंटू क्या करेंगे अपन, RG प्लस RSE, आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें डाल दो यहाँ पे ये 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 × 10⁻³ इंटू 100 प्लस 900, कितना हुआ यहाँ पे आंसर 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो ये वोल्ट मीटर कितना रीड कर पाएगा मैक्सिमम 10 वोल्ट, तो इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेके कितनी 10 वोल्ट, एमीटर वोल्ट मीटर की रेंज, समझ में आ रही है, ठीक है। जिन लोगों को ये सब बाउंस जा रहा है वापस एक बार वीडियोस देख लेना, ठीक है। वीडियोस मतलब क्या, मेरे एक्चुअल वीडियोस भी और रिवीजन वीडियोस भी, फटाफट। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर। गाइस पोटेंशियोमीटर की कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट का कंसेप्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा लेक्चर। सो नाउ व्हाट इज, हाउ टू फाइंड लाइक व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, इस चीज को बोला जाता है आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब है ना एकदम आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है।
क्या करते पता है इसमें, लंबा सा वायर यूज करते हैं और लंबा सा वायर यूज करके उसके ऊपर जॉकी घुमाते हैं, ठीक है। अब मतलब मैं एक एक सिंपल तुमको एक चीज मैंने बोली थी, यहाँ पे एक चीज अपन ने बोली थी, जब मुझे वो मैंने एक चीज बोली थी आपको याद है, एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे बैटरी लगाई है, मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, तो मुझे तो वोल्ट मीटर ने कितना करंट लेना चाहिए, वोल्ट मीटर ने करंट सपोज 0 ले लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, इन्फाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, तब करंट वगैरह यहाँ पे जाएगा। इसमें हो सकता, देखो इसमें क्या जुगाड़ बनाया जाता है और आइडियल वोल्ट मीटर बना, देखो आइडियल वोल्ट मीटर बोला है मैंने, इसमें जुगाड़ देखो क्या है, जुगाड़ ऐसा है कि सपोज ऐसा पकड़ लो यहाँ पे एक सर्किट है, ये ऊपर एक सर्किट है, कोई ऐसा ऊपर एक सर्किट है, सब लोग यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये ऊपर का एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट का वोल्टेज दिया 200 वोल्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया 10 ओम 10 ओम, तो मुझे बताओ इसके इस वोल्टेज के अक्रॉस कितना वोल्ट आना चाहिए, इसके अक्रॉस, इस 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्ट आना चाहिए एक्चुअल में, 200 वोल्ट है ना, तो 100 100 बराबर 100 100 100 वोल्ट यहाँ पे, 100 वोल्ट यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, ये अपना एक्चुअल सर्किट है, मैंने क्या किया एक बड़ा सा वायर लिया, सुनो यहाँ पे एक बड़ा सा वायर लिया जिसको पोटेंशियोमीटर पता नहीं है, मेरा वीडियो एक्चुअल वाला वीडियो कौन सा JYC का वापस देखोगे आपका काम है और फिर रिविजन वीडियो देखोगे आज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बड़ा सा वायर लिया, लंबा सा वायर लिया, ये लंबा सा वायर लिया, इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है गाइस, इसको रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब मैंने इस लंबा से वायर को यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी है, ऐसे ऐसे पकड़ लो एक बैटरी जोड़ दी, और इस बैटरी की वैल्यू लेते मैंने लिखी 500 वोल्ट, कितनी है 500 वोल्ट, और मैंने ना एक 10 मीटर की वायर ली, 10 मीटर की वायर, हाँ लेकिन वायर मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ गाइस, इसका रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखना इसका रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे को, मतलब RoL/A वगैरह सब करके आर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, 500 वोल्ट है तो कौन से वोल्ट पे एग्जैक्टली 100 वोल्ट रहेगा, कितने कितने लेंथ पे, ये 10 मीटर है तो कितने लेंथ पे रहेगा, वो कितने लेंथ पे रहेगा बताओ मुझे भाई, 10 मीटर के रेजिस्टेंस आ रहे 500 वोल्ट है पूरे पे, तो पांच पार्ट करने पड़ेंगे ना, 100 100 100 100, तो कितना 2 मीटर 2 मीटर, देखो ना कितने कितने मीटर पे, 2 मीटर पे होगा, लीनियर वेरिएशन भाई, वेरिएशन लीनियर है ना, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है हाँ 2 मीटर पे होगा। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या किया, क्या कर दिया, ये पॉइंट ए है ना, तो इसको यहां से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए हो गया। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सुनो सबसे सब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया। अब इसको इसके इसके अंदर जाने के पहले मुझे एक और चीज बतानी है आपको, आगे बताता हूँ, इधर एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी कोई एक ऐसा सर्किट है और कोई यहाँ पे एक दूसरा सर्किट है, और जब मैं सिर्फ एक ही वायर जोड़ता हूँ, एक वायर, तो मुझे बताओ इस वायर में करंट कितना होता है, हमेशा इधर करंट कितना होता है, 0, कभी भी ध्यान में रखना 0, ठीक है। अब मैं एक ऐसी और चीज बोलूंगा, सपोज यहां का करंट 0 होगा तो यहां का भी करंट 0 होना पड़ेगा भाई, हाँ ऐसे बोल सकते, बैटरी से जो निकला वहां पे आया, बैटरी से निकला यहाँ पे आया, जो भी है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ का करंट सपोज ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे एक सर्किट है, सर्किट नंबर 1, यहाँ पे एक सर्किट है सर्किट नंबर 2, ठीक है सर्किट नंबर 1, इसमें ऐसे 2 वायर लगाए मैंने ऐसे, इस वायर में करंट 0 हो गया तो इस वायर में भी करंट कितना होगा, 0 होगा, इधर 0 इधर 0, चीज ध्यान में रखना, एक कभी भी है हमेशा होगा। अब मैं क्या करता हूं देखो, एक चीज दिमाग में रखना, मुझे पता है कि इनहरेंट यहां पे कुछ करंट, कितना करंट है यहां पे, 200 डिवाइड बाय 20, कितना है 10 एम्पीयर करंट जा रहा था ना यहाँ पे, 10 एम्पीयर करंट जा रहा था, ये अपना इनिशियल करंट था 10 एम्पीयर करंट। अब मुझे बताओ, मैंने सपोज ये यहां से कनेक्ट किया, ये करंट बदलेगा क्या, 10 एम्पीयर करंट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना, क्योंकि एक ही वायर है ना,
तो ये सर्किट अपना अलग से है, ये सर्किट अपना अलग से है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वायर कनेक्टेड है। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा गाइज, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो मेरा सेटअप है ना, ये वाला सेटअप, इसको मैं बोलता हूँ पोटेंशियोमीटर सेटअप। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? पोटेंशियोमीटर सेटअप में क्या दिख रहा है? एक बैटरी दिख रही है, एक लंबी सी वायर दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 10 मीटर की वायर लिखी है यहाँ पे, ये नहीं, ये नहीं, ये अलग है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूं। गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी होगा, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है, ये आरजी रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर को मैंने एक जॉकी लगाता, एक ऐसा एक डिवाइस होता है जो अपन वायर के ऊपर घुमाते हैं। अभी आपके प्रैक्टिकल हुए नहीं तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर ना ऐसा जॉकी हम लोग लगाते हैं, और ये जॉकी पूरे के पूरे वायर पे घुमाएंगे, और घुमाते घुमाते आपको पता है घुमाते घुमाते क्या होगा? जिस वक्त, सुनो यहाँ पे, ये समझने की कोशिश करो, जिस वक्त ये एग्जैक्टली 2 मीटर पे आता है, आपको पता है ये 2 मीटर पे, जैसे सपोज यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, ये कुछ अलग मीटर पे था, ये कुछ अलग यहाँ पे लगाया मैंने, ये कुछ अलग मीटर पे था, लेट्स से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा तो यहां से भी करंट जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर ये करंट 10 एम्पीयर होगा क्या? नहीं। फिर एक दोनों सर्किट दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मतलब यहां से कुछ करंट गया, यहां से कुछ करंट गया, 10 एम्पीयर करंट की हालत खराब होगी, कुछ ना कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो केसीएल केबल लगाना पड़ेगा अपने को, बहुत बड़ा वो हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, जॉकी ऐसे जगह पे घुमाते घुमाते मैंने जॉकी को 2 मीटर पोजिशन पे लाया, और मुझे पता है 2 मीटर पोजिशन पे इसका एग्जैक्टली वोल्ट कितना था, 100 वोल्ट था। अब जैसे 100 वोल्ट था, मुझे पता है ये जॉकी ऐसे आया, तो जॉकी का रीडिंग कितना हो गया गाइस? यहां पे जॉकी का जो रीडिंग है, ये जॉकी का जो रीडिंग है वो हो गया 0। क्या हो गया? 0। कौन से पोजिशन पे? 2 मीटर पोजिशन पे, जहां पे इसका वोल्टेज कितना हुआ, 100 वोल्ट। और जैसे ही रीडिंग 0 हो गया, इधर का भी रीडिंग कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये सर्किट अपना अलग से काम कर रहा है, ये सर्किट अपना अलग से काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? एक दूसरे का कोई कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान में रखना, ये अपने माइंड अपने कैलकुलेशन किया है ना कि ऐसा ऐसा कि 2 मीटर पे आया, 2 मीटर पे आया, ठीक है। अब परमेश्वर ये 0 क्यों हुआ? कोई बोलेंगे भाई ये कैलोमीटर में एग्जैक्टली यहां पे 0 क्यों हुआ? भाई दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो 0 ही हो गया दोनों का। यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल जब सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई भी करंट जाएगा कि इसमें से, कोई भी करंट जाएगा कि इसमें से? इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट है, काम खत्म। पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेसिकली यहां से करंट 0 हो गया, जैसे यहां से करंट 0 हो गया क्या हो गया, क्या हो गया गाइस? अपने को वो पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट का मैंने लेंथ मेजर किया, तो मैं क्या लिखूंगा बताए, मैं क्या लिखूंगा, 500 वोल्ट किसके लिए था, 10 मीटर के लिए था, तो 2 मीटर के लिए कितना वोल्ट होगा, 2 मीटर के लिए कितना वोल्ट, 500 × 2 / 10, तो आंसर कितना था, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट जो है मेरा क्या था, 100 वोल्ट मेरा क्या था, एक्चुअल वैल्यू था। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, मैं वापस बोल रहा हूं, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा एक्चुअल करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख लो पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। मैं एकदम क्विकली वापस समझाता हूँ, यही पोटेंशियोमीटर था गाइस, यही पोटेंशियोमीटर था। अभी लेक्चर 5 मिनट का बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर यही था। क्या था पोटेंशियोमीटर, वापस एक झटके में बता देता हूं। मैंने क्या किया, सब लोग यहां पे सुनो, मैंने एक ए पॉइंट निकाला, एक बी पॉइंट लिया मैंने, ये ए था ये बी था, इसकी लेंथ कितनी थी, एल नॉट थी, इसको मैंने एक बैटरी जोड़ी जिसकी वैल्यू कितनी थी, वी नॉट थी, ठीक है, वी नॉट थी। फिर क्या किया, इसके साथ साथ एक जॉकी वगैरह ले लिया। अब बेसिकली क्या किया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कोई सर्किट था, कोई ना कोई यार यहाँ पे कोई ना कोई एक सर्किट होगा R1 R2 का, यहाँ पे जहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है, अपने को पता नहीं कुछ भी। अब मुझे इस R1 के अक्रॉस क्या निकालना है, वोल्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दो चीजों को कनेक्ट करूंगा, और फिर यहां से इसको मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा और जॉकी लगाऊंगा और घुमाऊंगा, ऐसे जगह पे घुमाऊंगा जहां पे लेट से इधर इस पोजीशन पे, लेट से L1 पोजीशन पे इसकी रीडिंग 0 आ गई, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया, ये रीडिंग को नोट डाउन किया,
और ये जो वोल्टेज आया यही वोल्टेज R1 के अक्रॉस होगा, यही तो देखा अपन ने। और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी गाइस, इस वोल्टेज की वैल्यू होगी V0 के लिए लेंथ L0 होती है तो L1 के लिए कितना वोल्टेज, तो इस वोल्टेज का वैल्यू जो आया, इस वोल्टेज का जो वैल्यू आया वो आया V0 into L1 divided by L0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना ये ऐसा चीज के लिए मेजर होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं सर मैंने एक ईएमएफ दिया और बोला ईएमएफ को मेजर करो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है एक सेल दिया जाता है ईएमएफ को मेजर किया करने के लिए बोल देते हैं, मतलब मेरा ये गैल्वेनोमीटर है, सॉरी ये अपना पोटेंशियोमीटर है, सेटअप है, दिया है पोटेंशियोमीटर सेटअप, इसकी लेंथ एल नॉट दी है, सब कुछ दिया है। अब बोला है कि एक मैंने ईएमएफ दे दिया ईएमएफ, अब ईएमएफ के साथ साथ क्या होता है पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डाल दिया मैंने, तो ये ई नॉट डाल दिया, ये आर डाल दिया, बोला है कि इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढोगे, सिंपल, पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे, पहली स्टेप यहाँ से ये कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जॉकी लगाएंगे, घुमाएंगे, जैसे एक लेंथ आई L1, जैसे लेंथ L1 आई मुझे बताओ क्या करंट जीरो हो गया, इधर भी करंट जीरो, इधर भी करंट जीरो, तो क्या हो गया ये करंट जीरो, तो इस आर का मतलब है कुछ, इस आर का कुछ काम है क्या, आई इंटू आर कितना हो गया जीरो, तो डायरेक्टली इनोट इसके अक्रॉस आ गया, तो मेरे को इनोट तो आ गया, तो मेरा इनोट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई गई, इनोट की वैल्यू कितनी आई, V0 divided by L0 into L1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, V0 की वैल्यू आ गई। नाउ हाउ टू फाइंड दिस रेजिस्टेंस R, आपको पता है रेजिस्टेंस R के लिए क्या किया जाता है, ये मैंने बताया था क्या किया जाता है, मैं वापस बोलो इसको नहीं पता एक बार मेरा एक्चुअल वाला वीडियो देख लो क्योंकि रिवीजन है, इसको रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाने से फिर वापस गैल्वेनोमीटर की नई पोजीशन ढूंढी जाती है, वापस नई पोजीशन ढूंढी जाती है, लेट्स से वो आ गई L2 जिसमें गैल्वेनोमीटर वापस क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो गया, जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो करंट गया, देखो यहाँ पे जो करंट गया ये तो ऐसे गया, तो कोई बोल सकता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना है, ठीक है इसके वोल्टेज के साथ ये करंट आई निकालो, आई की वैल्यू कितनी आई, ई नॉट डिवाइड बाय क्या, आर प्लस आर, ये आई की वैल्यू आई, और आपको पता है ये वोल्टेज कितना होगा, जो ये वोल्टेज ए और मैंने सपोज यहाँ पे बी बोला, तो ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी, वी ए बी वोल्टेज कितना है, वी ए बी वोल्टेज कितना है, आई इंटू आर, तो कितना आएगा, ई नॉट डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू आर, ये वोल्टेज आया, और ये वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, लेंथ एल टू के बराबर, तो इस लेंथ एल टू के बराबर मतलब क्या, इस हिसाब से वी नॉट एल नॉट डिवाइड बाय क्या इंटू क्या, एल टू, इक्वेशन नंबर क्या आ गया है, टू। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो V0 by L0 कैंसिल हो जाता है, ठीक है V0 by L0 कैंसिल हो जाता है, E0 E0, देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करो, देखो ना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को दोनों को डिवाइड कर लो, E0 E0 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया R by R plus R is equal to क्या L2 divided by L1, ये एक सिंपल एक फॉर्म फॉर्मूला बनता है जो अपने को काम में आता है, समझ में आया। कभी कभी इसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है, मतलब इस V0 की वैल्यू अपने को पता नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, मतलब एक नॉन ईएमएफ दिया जाता है और उल्टा कैलकुलेट करते V0, उल्टा कैलकुलेट करते V0। ये तीनों तीन वीडियो मेरे एक्चुअल यूट्यूब पे है, देख लेना। तो ये पूरा का पूरा अपना हो गया कंप्लीट सेट, ठीक है। तो अभी एक चीज दिमाग में रखना है, पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर में कोई भी प्रॉब्लम होगा यूट्यूब का वीडियो देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला की जरूरत वैसे नहीं है लेकिन जेई मेन एंड नीट वालों के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है गाइस। तो अपन एक काम करते हैं, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है अपना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरसी सर्किट में, अगले बार आरसी सर्किट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब आधा घंटा अपना, आधा से एक औन घंटा आरसी सर्किट रहेगा और बाकी सब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। हाँ, आरसी सर्किट में थेविनन थ्योरम वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर करंट इस वीक में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देना, वीक है पूरा पूरा आपके पास, उसके ऊपर क्वेश्चन और उसके बाद अपना मैग्नेटिज्म ईएमएफ चालू होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अपने नोट्स भी बना दो आप लोग, नोट्स भी बना दो खुद, चलो बाय गाइस। वो बताएंगे आपको, आ जाएगा, चलो बाय गाइस।